का लास्ट लेक्चर है और आज के लेक्चर में जो अपन सबसे पहले तो लास्ट लेक्चर में अपन ने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को डिटेल में स्टडी किए थे, उसी चीज को हम कंटिन्यू करने वाले हैं अभी, ठीक है ना। तो उसका सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे और फिर हमारा जो मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट जो भी टॉपिक्स बाकी है वो सारी चीज करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला जा रहा है। यूजिंग डिटरमिनेंट शो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि एक इनकंसिस्टेंट सिस्टम के लिए क्या चीज नेसेसरी है। अभी अगर इनकंसिस्टेंट सिस्टम है तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम कब होता है, ये थ्री वेरिएबल है तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम कब होता है आप खुद सोचो। मैं एक बार इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा जब आपका जो डेल्टा है वो नॉन जीरो हो गया तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। डेल्टा जीरो होना पड़ेगा और वन ऑफ द थ्री डेल्टा वन डेल्टा टू या फिर डेल्टा थ्री कोई भी नॉन जीरो होना पड़ेगा। और अगर सारे के सारे जीरो हो जाते हैं दैट इज डेल्टा डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री सारे के सारे अगर जीरो हो जाते तो भी पॉसिबल है। या तो डेल्टा तो जीरो होना ही पड़ेगा, डेल्टा तो जीरो होगा ही अगर आप चेक करो। फिर डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री तीनों में से अगर कोई भी एक नॉन जीरो हो गया तब तो डायरेक्टली प्रूफ हो जाएगा कि इनकंसिस्टेंट है। बट अगर तीनों के तीनों में जीरो हो गया दैट इज ओवरऑल चारों के चारों डिटरमिनेंट दैट इज डेल्टा डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री सब अगर जीरो हो गया तो क्या होगा, इनफिनिट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन दोनों पॉसिबिलिटी है। तो अपन क्या करेंगे, जेड को टी मानेंगे। ये तीन प्लेन का इक्वेशन है ना, अगर तीनों के तीनों आइडेंटिकल है दैट इज कोइंसिडेंट प्लेन है तब हम जेड को और वाई को दोनों वेरिएबल पुट करना पड़ेगा लैम्डा और म्यू मैंने बताया था। बट अगर कोइंसिडेंट प्लेन्स नहीं है तीनों के तीनों, उसके अलावा अगर कोई भी दो कोइंसिडेंट है या फिर अदर कोई भी केस है तो z बराबर t मान के x और y इन टर्म्स ऑफ t निकालेंगे या थर्ड इक्वेशन में सेटिस्फाई करके देखेंगे। अगर करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो मतलब यहाँ पे तो इनकंसिस्टेंट प्रूफ करने बोला है तो ऑब्वियसली नहीं करेगा तो अपन प्रूफ कर देंगे उसके थ्रू कि इनकंसिस्टेंट है। तो ये हमारा माइंड मैप तैयार हो गया सवाल को देखते हैं। मैंने तो बोल बोल के किया, अगर सोच के करता आपकी तरह तो और भी कम समय में चार पांच सेकंड के अंदर ही माइंड मैप तैयार हो गया। फिर रिमेनिंग 50 to 60 सेकंड जो भी हो अपन प्रॉब्लम में वर्क करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा गिवन सिस्टम हमें दिया गया है वो क्या है जरा ध्यान से देखिए। वे है एक्स माइनस थ्री वाई प्लस फाइव जेड इज इक्वल टू फोर, ठीक है ना। फिर क्या आएगा 2x माइनस सिक्स वाई प्लस 10z इज इक्वल टू 11 एंड 3x माइनस नाइन वाई प्लस 15z इज इक्वल टू 12। ये हमारा तीन डिटरमिनेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहां पे क्या निकालोगे, डेल्टा निकालोगे। डेल्टा क्या हो जाएगा 1 2 3 माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9 और इधर आ जाएगा 5 10 15। फिर अब क्या निकालोगे, डेल्टा वन निकालोगे। डेल्टा वन क्या आएगा, बस फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा डी वन डी टू डी थ्री दैट इज 4 11 12। यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9 और यहाँ पे आ जाएगा 5 10 और 15, ठीक है। फिर आपके पास क्या आएगा, डेल्टा टू आएगा। डेल्टा टू क्या आ जाएगा 1 2 3 अपने जगह पे जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 11 12 और साइड पे आएगा 5 10 15 और लास्ट में है आपका डेल्टा 3। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो जाता है ये सब कैलकुलेशन के लिए। तो 4 11 12 तो नहीं, माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9 और कहीं ना कहीं यहां से आ जाएगा आपका 4 11 12। अभी अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे कि यहां से अगर माइनस 3 कॉमन ले लेते तो ये क्या बन जाएगा, सेकंड कॉलम से अगर माइनस 2 कॉमन ले लेते माइनस 3 तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, है ना। तो दो डिटरमिनेंट जीरो हो गया तो ये आंसर जीरो आ जाएगा, ठीक है। यहां से भी अगर आप देखोगे 5 कॉमन ले लोगे और माइनस 3 कॉमन ले लोगे तो माइनस 15 अगर कॉमन आ जाएगा तो ये 4 11 12 यहाँ पे भी 1 2 3 यहाँ पे भी 1 2 3 तो ये डिटरमिनेंट भी जीरो हो जाएगा। फिर यहां से भी आप क्लियरली देख रहे हो कि अगर 5 कॉमन ले लेते हो तो 1 2 3 4 11 12 और ये 1 2 3 तो ये आ जाएगा जीरो। और यहां से भी अगर मैं माइनस 3 उठा लेता हूँ तो 1 2 3 1 2 3 और 4 11 12 तो आंसर विल बी जीरो। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल गया, यहाँ पे डेल्टा डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री चारों के चारों जीरो हो गया। अगर इन तीनों में से कोई भी एक नॉन जीरो होता तो डायरेक्टली कमेंट कर देते कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम। बट यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि एज डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा वन बराबर डेल्टा टू बराबर डेल्टा थ्री आर ऑल जीरो, देयरफॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस
ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल मे और मे नॉट बी क्या लिखोगे कंसिस्टेंट, मतलब कंसिस्टेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, समझ रहे हो ना, क्लियर है। और उसको चेक करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट जेड इज इक्वल टू टी, क्लियर है, जेड अगर टी करेंगे तो इसको इक्वेशन का नेमिंग कर दो, ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया, ठीक है। तो फ्रॉम वन एंड टू वी हैव एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू फोर माइनस फाइव टी, इधर आ जाएगा ट्वाइस एक्स माइनस सिक्स वाई इज इक्वल टू इलेवन माइनस टेन टी, ठीक है ना। दैट इज आपको क्या मिल रहा है, दैट इज आपको मिल रहा है यहां से अगर मैं देखू तो ये तो सारे के सारे कोइंसिडेंट प्लेन्स आ रहे हैं ना भाई, नहीं सारे के सारे कोइंसिडेंट प्लेन्स तो नहीं है, बट ये दोनों इक्वेशन तो नो सॉल्यूशन देगा ना आपको, क्लियर है, समझ है मेरी बात, कंफर्म है ना भाई। हाँ, तो यहां से अगर आप टू कॉमन ले लोगे तो एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू क्या लिखोगे, इलेवन बाई टू माइनस फाइव टी, ठीक है ना। देयरफॉर फोर माइनस फाइव टी ये इसको मैं थ्री बोल फोर बोल देता हूं, इसको फाइव बोल देता हूं, हियर इक्वेशन फोर एंड फाइव गिव्स नो सॉल्यूशन, क्योंकि फाइव टी फाइव टी कैंसिल हो जाएगा, इलेवन बाई टू इक्वल टू फोर तो अभी हो नहीं सकता है, ठीक है ना, क्लियर है। तो आप क्या लिखोगे, अब क्या लिखोगे, क्या कमेंट करोगे यहां से बोलो जरा ध्यान से, ठीक है ना। और यहां से एक और चीज बोल सकते हैं, therefore, as equation 1 and 3 parallel plane दिख रहा है, यहां से 3 कॉमन लेने से x माइनस थ्री वाई प्लस फाइव जेड आ जाएगा जो कि ऊपर वाले के साथ मैच हो रहा है, एज इक्वेशन 1 एंड 3 represents टू coincident नहीं disjoint parallel planes, मैं ये सब क्यों लिख रहा हूं, ये सब तो बोर्ड में नहीं आएगा, पैरेलल प्लेन्स, सो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड द थर्ड वन दैट इज इक्वेशन टू इज, या फिर इक्वेशन टू ना लिख करके प्लेन टू लिख सकते हो, इज नॉट पैरेलल टू एनी वन ऑफ वन और टू, क्योंकि अगर सिर्फ दो पैरेलल होता है तो अपन नो सॉल्यूशन ही बोल सकते ना, तीसरा वाला भी अगर डिसजॉइंट पैरेलल अगर बोल दिए तो और थर्ड वाले के बारे में कुछ बोलना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि दो प्लेन अगर डिसजॉइंट पैरेलल हो गया तब तो काम खत्म हो जाएगा, बट अगर दो प्लेन कोइंसिडेंट पैरेलल हो गया तो तीसरे वाला डिपेंडेंट हो जाता है, अगर तीसरा वाला भी कोइंसिडेंट हो जाता है तब तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा। सो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन एंड द सिस्टम इज लिख देना यार इनकंसिस्टेंट, ठीक है, क्लियर है। चल आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिए सारे पॉसिबिलिटी, कंडीशंस बस याद होना चाहिए, कंडीशंस क्या है समझाने के टाइम में सर ने आपको बहुत कुछ समझा करके दिया, बट याद रखना कुछ ही चीज को याद रखना है, वो क्या है कि डेल्टा अगर नॉन जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंट सिस्टम, डेल्टा अगर जीरो है तो दो केस आएगा, डेल्टा जीरो के साथ साथ अगर वन ऑफ डेल्टा डेल्टा टू डेल्टा थ्री तीन में से अगर एटलीस्ट वन भी नॉन जीरो हो जाता है, ज्यादा भी हो सकता है, तो क्या हो जाएगा नो सॉल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम, और अगर सबके सब जीरो हो जाता है तो डिपेंड करेगा कंसिस्टेंट भी हो सकता है इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, तो उसको चेक करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जेड बराबर टी मान के एक्स और वाई निकालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ टी, अगर निकलता है इससे कभी तो निकल ही नहीं रहा था, और वो थर्ड कंडीशन पे चेक करोगे, यहां पे तो पहला दो इक्वेशन से ही पता चल गया ना इनकंसिस्टेंट है, थर्ड इक्वेशन अगर पता नहीं चलता है एक्स और वाई इन टर्म्स ऑफ टी आ जाता है तो थर्ड इक्वेशन पे पुट करोगे अगर सेटिस्फाई करता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सेटिस्फाई नहीं करता है नो सॉल्यूशन इन इनकंसिस्टेंट सिस्टम, क्लियर है। और अगर तीनों के तीनों कोइंसिडेंट पैरेलल हो जाते हैं तब तो आप देख के बता सकते हो कि तीनों के तीनों कोइंसिडेंट पैरेलल अगर हो जाएगा है ना, एक्स वाई जेड कॉमन वगैरह लेने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अगर एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट सेम आ गया है ना, और सिर्फ कोफिशिएंट ही नहीं
कोफिशिएंट अगर सेम आ गया तब तो डिसजॉइंट पैरेलल होगा, नो सॉल्यूशन, देख के बता सकते हो। बट अगर ये सब कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, बट अगर है ना, अगर मैंने आपको प्लेन से इसीलिए सिखाया ताकि इक्वेशन देख के बता दो सिस्टम का क्या सॉल्यूशन है, समझ में आ रहा है ना। बहुत सारे क्वेश्चन आएगा, इक्वेशन देख के बता देंगे अपन, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, अपने को कुछ सोचने का जरूरत ही नहीं है, समझ है मेरी बात, क्लियर है, क्योंकि पहले नहीं सोच सकता ना, प्लेन्स का कंसेप्ट हमें पता है, इसीलिए प्लेन का कंसेप्ट को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर तीनों के तीनों सबको सब D1, D2, D3 सब कुछ मतलब तीनों इक्वेशन एक ही इक्वेशन बन जाता है कॉमन वगैरह लेने के बाद, तब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या तरीका है, वाई और जेड को अल्फा बीटा मान लो और एक्स का मिलियन टर्म्स और अल्फा बीटा निकाल दो, खत्म, बात क्लियर है, समझ लो ना। इस तरीके से चीजों को समझना भी है और सॉल्व करना है। एक बार समझने में टाइम वेस्ट करेंगे बहुत ज्यादा, ठीक है, बट एक बार अगर समझ आ गया चीजें फिर मुट्ठी में घुसा करके उसको चुटकियों में सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्लियर है। आगे बात करते चलिए जरा नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते चलिए। क्या बोला है, यूजिंग क्रैमर्स रूल सॉल्व, मैं कुछ नहीं करूंगा और एक जगह पे मैंने पूरा किया कैलकुलेशन और तो मैं कुछ नहीं करने वाला, ऊपर से बोर्ड्स में नहीं है तो करूंगा नहीं सर, ऊपर ऊपर बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि थियोरी मैंने 90 मिनट पढ़ा है, 90 मिनट जो कोई नहीं पढ़ाता है, ठीक है। यूजिंग क्रैमर्स रूल सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x + 3y + 10z। अभी आप देख के बोलोगे सर ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन थोड़ी ना है, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन तो है ही नहीं, या फिर तो थर्ड डिग्री दिख रहा है एलसीएम लेने के बाद। अरे भाई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं है तो क्या हुआ, तो क्या आप बना नहीं सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं सर, बोले कैसे, 1/x को u मान लेंगे, 1/y को v मान लेंगे और 1/z को w मान लेंगे। ये मानने के बाद होगा क्या, फायदा क्या होगा, 2u + 3v + 10w = 4 आएगा, इधर 4u - 6v + 5w = 1 आएगा और इधर 6u + 4v - 20w = 2 क्या आएगा भाई, 1 आएगा ना, क्लियर है। अभी यहाँ पे कोई पैरेलल या फिर डिसजॉइंट कोइंसिडेंट ऐसा कुछ तो देख नहीं रहा है, तो प्रॉपरली आप चेक करो, डेल्टा निकालो, डेल्टा 1 निकालो, डेल्टा 2 निकालो, डेल्टा 3 निकालो, डिवाइड करो डेल्टा 1 बाई डेल्टा, डेल्टा 2 बाई डेल्टा, डेल्टा 3 बाई डेल्टा, तो यू बी डब्ल्यू मिल जाएगा। अगर यू बी डब्ल्यू मिल गया तो यहाँ पे रख दो तो एक्स वाई जेड आ जाएगा, खत्म, बात। यही तो है क्रैमर्स रूल का एप्लीकेशन। अगर आपको डायरेक्टली लीनियर इक्वेशन नहीं दिख रहा है तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ करके आप इसको लीनियर इक्वेशन इन अदर वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हो, और वो वेरिएबल अगर मिल गया तो एक्स वाई जेड भी मिल जाएगा, क्योंकि ये इसके ऊपर डिपेंडेंट ही होगा, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन रिड्यूसेबल टू लीनियर इक्वेशन हो गया, समझ है मेरे पास। तो इस तरह के क्वेश्चन को देख करके घबराना नहीं है, आराम से चीजों को सॉल्व करते जाना, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी का क्या वैल्यू के वजह से सिस्टम जो है वो क्या देगा, कभी यूनिक सॉल्यूशन देगा तो कभी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देगा तो कभी नो सॉल्यूशन देगा, तीनों पूछ लिया, ठीक है ना। तो सिस्टम को लिखता हूं पहले, 2x + ay + 6z = 8, ठीक है, फिर लिखता हूं x + 2y + bz = 5, ठीक है ना, और फिर लिखता हूं x + y + 3z = 4, ठीक है। तो यहां से डेल्टा क्या निकल करके आएगा बोलो, 2, 1, 1, यहां पे a 2, 1 और इधर 6b 3, समझ लो, क्लियर। डेल्टा 1 बोलो, डेल्टा 1 क्योंकि यही सब तो डिसाइड करेगा ना भाई, 8, 5, 4, फिर यहां पे क्या आएगा, a 2, 1 और 6b 3। डेल्टा 2 बोलो, डेल्टा 2, 2, 1, 1, फिर 8, 5, 4, फिर 6b 3, ठीक है, और डेल्टा 3 बोलो, डेल्टा 3 क्या आएगा, 2, 1, 1, a 2, 1 और 8, 5, 4, ये आ जाएगा डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3। तो यूनिक सॉल्यूशन का एक ही कंडीशन हो जाएगा डायरेक्टली, आपको क्या बोला है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी ना, तो आपके सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। पहले तो वैल्यू निकाल देता हूं, ये वैल्यू निकालना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। ये वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 × 6 - b है ना, +a × b - 3 और +6 × 1 - 2, ये आ जाएगा आपका 12 - 2b + ab - 3a और यहां पे आ जाएगा -6, ठीक है, तो ये आएगा आपका 6 - 3a - 2b + ab, ये आ गया आपका, क्लियर। इधर अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा बोलो, कैलकुलेट करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं, 8 × 6 - b, तो 8 × 6 हो जाएगा 48 - 8b + a × 4b, तो 4ab - 15a
और प्लस 6 इंटू 5 माइनस 8 ये हो जाएगा माइनस 3 और माइनस 18, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 30 प्लस 4ab माइनस 15a और माइनस 8b, क्लियर है। इसका आंसर क्या आएगा बोलो, इसका आंसर आ जाएगा 15 माइनस 4b, तो 30 माइनस 4b इंटू 2 8b प्लस 8 इंटू बी माइनस 3, तो 8 इंटू बी माइनस 24 और प्लस 6 इंटू 4 माइनस 5 माइनस 1 तो माइनस 6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 30 30 गया, 8b 8b गया, ये तो 0 आ गया पूरा, ठीक है। और यहां पे क्या आ रहा है 4 4, अच्छा ये तो a है, 4 क्या बोल रहा हूं, 2 इंटू 8 16 माइनस 5 इंटू 2 10 प्लस a 5 माइनस 4 1 a प्लस 8 1 माइनस 2 माइनस 8, तो ये कितना आ जाएगा 6 माइनस 8, तो a माइनस 2 आ जाएगा, क्लियर। इधर 0 आया, इधर a माइनस 2 आया। अभी आपको बोला है कि यूनिक सॉल्यूशन, सबसे पहला कि सिस्टम का अगर यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो क्या होगा, तो आप जानते हो कि यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है। यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन है कि डेल्टा शुड बी नॉन जीरो। तो यहाँ पे डेल्टा क्या आ रहा है, देखो डेल्टा आ रहा है 6 माइनस 3a माइनस 2b प्लस ab इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब यहां से अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो कुछ ना कुछ 3 कॉमन आएगा तो 2 माइनस a मिल रहा है, और माइनस b कॉमन ले लेंगे तो 2 माइनस a मिल रहा है, ठीक है। तो यहां से आएगा 3 माइनस बी इंटू 2 माइनस ए नॉट इक्वल टू 0, दैट इज b का वैल्यू 3 के इक्वल नहीं हो सकता और 2 के इक्वल नहीं हो सकता, वही तो समझ आ रहा है ना यहाँ पे। तो b का वैल्यू 3 और 2 के अगर इक्वल नहीं, सॉरी b का वैल्यू 3 के इक्वल नहीं हो सकता और a का वैल्यू 2 के इक्वल नहीं हो सकता। तो b अगर 3 नहीं होता है, a अगर 2 नहीं होता है, तो a का वैल्यू में क्या दूंगा आंसर, r माइनस 2 एंड b का वैल्यू b बिलोंग्स टू r माइनस 3। मतलब a का ये वैल्यू और b का ये वैल्यू के लिए पूरा सिस्टम का क्या रहेगा, यूनिक सॉल्यूशन रहेगा, समझ आता है, क्लियर है। अगला है आपका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए तो डेल्टा भी 0, डेल्टा 1 भी 0, डेल्टा 2 भी 0 और डेल्टा 3 को भी 0 होना पड़ेगा। तो डेल्टा को अगर मैं 0 कर देता हूं तो क्या आएगा, यहां से डेल्टा को अगर 0 कर देते तो a का वैल्यू 3 आएगा, 2 आएगा। डेल्टा 1 को अगर 0 कर देते तो क्या आएगा, यहां से डेल्टा 1 को अगर 0 कर देता हूं तो क्या आएगा, सोचो 4a और 15 यहां से कुछ भी कॉमन नहीं जाएगा ना, ये चीज 0 आएगा ना, अजीब सा एक एक्सप्रेशन, प्लस 4ab माइनस 15a माइनस 8b इक्वल टू 0 ऐसे आएगा। डेल्टा 2 अगर 0 कर दिया, डेल्टा 2 तो 0 है, डेल्टा 3 0 कर देंगे तो a का वैल्यू 2 आएगा, ठीक है ना। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए तो चारों होना पड़ेगा, मतलब चारों का इंटरसेक्शन होना पड़ेगा। तो पहले तो इन दोनों का इंटरसेक्शन a इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है, और इन दोनों का इंटरसेक्शन तो a इक्वल टू 2 आ गया। अच्छा, यहां से तो a का वैल्यू 3 आएगा, a का वैल्यू 2 आएगा और b का वैल्यू 3 आएगा। मैं बार बार एक ही वेरिएबल लिख रहा हूं। अभी आपको चेक करना पड़ेगा कि a का वैल्यू 2 के लिए ये क्या होता है। अच्छा, ये तो a और b दोनों के ऊपर डिपेंडेंट होगा, तो ये 30 प्लस 4 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 15 इंटू 2 माइनस 8 इंटू 3 ये कितना आता है, देखो 30 माइनस 24 6, 6 माइनस 30 माइनस 24 और प्लस 24, तो ये तो 0 आ रहा है इस वैल्यू के लिए। मतलब डेल्टा इक्वल टू 0 जिस वैल्यू के लिए आ रहा है उसके लिए डेल्टा 1 भी 0 हो रहा है, डेल्टा 2 भी 0 हो रहा है, डेल्टा 2 तो ऐसे ही 0 है, डेल्टा 3 भी 0 हो रहा है, ठीक है ना, क्लियर है। तो अभी मेरा आंसर जो आएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए वो a इज इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 3 होगा, ठीक है। बट आपको समझना पड़ेगा कि जरूरी नहीं है कि इन केस में a 2 और b 3 अगर हो गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही आ जाए, क्योंकि नो सॉल्यूशन का केस भी तो बन सकता है ना थर्ड वाले केस में। तो अभी आपको चेक करना पड़ जाएगा a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 3 पुट करके। अगर मैं a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 3 पुट करके चेक करना चाहता हूं तो क्या आएगा, सिस्टम क्या बनेगा, देखो जरा 2x प्लस 2y प्लस 6z इक्वल टू 8 आएगा, ठीक है, फिर x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 5 आएगा और x प्लस y प्लस 3z इक्वल टू 4 आएगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, देखो जरा ध्यान से कि इस इक्वेशन से अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो x प्लस y प्लस 3z इक्वल टू 4 आ रहा है, यहां से x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 5 आ रहा है,
और यहां से एक्स प्लस वाई प्लस थ्री जेड इक्वल टू फोर आ रहा है, तो यहां से तो एक ही इक्वेशन बचता है, ठीक है ना। मतलब ये तो दोनों कोइंसिडेंट प्लेन हो गया, ये दोनों के दोनों क्या हो गया, कोइंसिडेंट प्लेन हो गया, और अल्टीमेटली आपके पास ये दो प्लेन ही बचता है, इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है क्योंकि ये दोनों तो कोइंसिडेंट हो गया। तो अगर ये दोनों कोइंसिडेंट है तो यहाँ पे दोनों के दोनों कोइंसिडेंट प्लेन है ना। अल्टीमेटली क्या है कि ये दोनों तो कोइंसिडेंट या फिर डिसजॉइंट पैरेलल नहीं है, अल्टीमेटली तो आपके पास एक प्लेन आ गया ना, दो कोइंसिडेंट हो गया है ना। और एक और प्लेन जो है ये वाला प्लेन, ये तो कोइंसिडेंट नहीं है ना, या फिर डिसजॉइंट भी नहीं है, मतलब पैरेलल तो नहीं है ना ऊपर वाले के साथ, बिल्कुल पैरेलल नहीं है, तो ये इंटरसेक्ट करके जाएगा इसको। अगर इंटरसेक्ट करके जाएगा तो अल्टीमेटली दो ही प्लेन है और उनका इंटरसेक्शन हमेशा क्या आएगा, एक लाइन आएगा, और लाइन में क्या देगा आपको, इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा, समझ रहे हो ना। तो अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल गया आपको यहां से, मतलब आपका ये आंसर जो है वो बिल्कुल क्या है, सही है, क्लियर है। मतलब ए का वैल्यू टू और बी का वैल्यू थ्री के लिए आपको ये सिस्टम क्या देने के लिए तैयार है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन देने के लिए तैयार है, क्लियर है क्या। और नो सॉल्यूशन के लिए अपन क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन के लिए कोई भी एक को नॉन जीरो होने के लिए होगा, अभी ये तो जीरो हो गया तो इसको नॉन जीरो कर देते तो ए नॉट इक्वल टू टू आएगा, ठीक है ना, ए नॉट इक्वल टू टू आएगा, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन के लिए अपन लोग बोल देंगे कि ए का वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू टू, ठीक है, ए नॉट इक्वल टू टू होने से ही नो सॉल्यूशन होगा, कंफर्म है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखना पड़ेगा ए नॉट इक्वल टू टू के साथ साथ, क्योंकि सिर्फ अगर ए नॉट इक्वल टू टू बोलते हैं, ए नॉट इक्वल टू टू और बी इक्वल टू थ्री बोलना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम होगा मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे ये फैक्टराइज होके क्या हो रहा है, ये हो रहा है ना, अगर आप सिर्फ a नॉट इक्वल टू टू आंसर में दे देते हो तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम होगा समझना जरा, कि a नॉट इक्वल टू टू अगर हो जाता मतलब b तो कुछ भी हो सकता है, बट अगर a भी टू नहीं हुआ और b भी थ्री के अलावा और कुछ हो गया तब तो डेल्टा जीरो नहीं हो सकता है ना। बट नो सॉल्यूशन के लिए पहला कंडीशन तो डेल्टा जीरो होना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। फिर आता है इन तीनों में से कोई भी एक को नॉन जीरो कर दो, ठीक है ना। तो मैंने इसको नॉन जीरो कर दिया तो a नॉट इक्वल टू टू दे दिया, a नॉट इक्वल टू टू अगर है तो कोई भी एक नॉन जीरो होने से ही हो गया काम। अभी ये वाला जीरो होता है, ये तो जीरो हो गया, अभी ये वाला जीरो हो या फिर नॉन जीरो उससे कोई मतलब ही नहीं है, नो सॉल्यूशन तो आ चुका है, ठीक है ना। तो फॉर नो सॉल्यूशन आंसर विल बी ए नॉट इक्वल टू टू एंड बी शुड बी थ्री, क्योंकि अगर बी थ्री नहीं होगा तो बात नहीं बनेगा, क्लियर है क्या, समझ रहे हो मेरी बात, क्लियर। अच्छा कोई ऐसे भी बोल सकता है कि ए इक्वल टू मैं टू रख दूंगा बट बी को मैं थ्री नहीं रखूंगा, मतलब क्या है, मतलब मैं ए को तो टू रख दूंगा एंड बी को थ्री नहीं रखूंगा, क्योंकि अगर बी थ्री नहीं होता है और ए टू हो जाता है तब भी डेल्टा जीरो आएगा, ये दोनों जीरो हो जाएगा। पर चेक करो इस वैल्यू के लिए कि ये चीज जीरो हो रहा है क्या, अगर मैं ए का वैल्यू टू रख देता हूं तो यहाँ पे क्या आएगा, थर्टी प्लस एट बी माइनस फिफ्टीन ए माइनस फिफ्टीन ए मतलब थर्टी होगा और माइनस एट बी, ठीक है ना, तो ये कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है ना। अगर ए का वैल्यू टू हो जाता है ये सारे के सारे जीरो हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो अगर ए का वैल्यू टू हो जाता है तो ये सब के सब जीरो हो जाएगा, तो इस चीज को मैं कभी भी होने नहीं दे सकता, इसको फैक्टराइज ही कर लेते ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। यहाँ से ए अगर कॉमन ले लेते तो फोर बी माइनस फिफ्टीन हो जाएगा, यहाँ से माइनस टू कॉमन ले लेते तो फोर बी माइनस फिफ्टीन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए माइनस टू इंटू फोर बी माइनस फिफ्टीन। तो ए को अगर मैं टू बोल देता हूं, बहुत बच्चे बोल सकते हैं ना कि सर नो सॉल्यूशन के लिए आपको पहले डेल्टा जीरो चाहिए, तो डेल्टा अगर जीरो चाहिए तो आप बी को ही थ्री क्यों कर रहे हो, ए को भी तो टू कर सकते हो। बट ध्यान देना पड़ेगा कि अगर मैं ए को टू कर दिया और बी को नॉट इक्वल टू थ्री लिख दिया, ठीक है ना, या फिर मान लो ए को टू लिख दिया और बी को भी थ्री लिख दिया, तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि डेल्टा जीरो होने के साथ साथ डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री सबके साथ जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। अभी आप बोलोगे कि सर ये सबके सब अगर जीरो हो गया तो भी तो नो सॉल्यूशन का प्रोबेबिलिटी बचता है, लेकिन ए और बी अगर दोनों के दोनों टू और थ्री हो जाता है तब तो नो सॉल्यूशन का कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहा है। बट ए इक्वल टू टू एंड बी नॉट इक्वल टू थ्री अगर मिलता है तब क्या आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहा है या नहीं, वो आपको समझना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है कि ए इक्वल टू टू अगर हो जाता है तो और बी नॉट इक्वल, ये वाला तो होगा ही नो सॉल्यूशन का आंसर, ये तो पता ही चल गया। सेकंड वाले पे अगर चेक करें, सेकंड वाले पे ये सबके सब जीरो हो जाएगा, और ए अगर टू हो गया तो ये दोनों प्लेन कोइंसिडेंट हो जाएगा, ये दोनों प्लेन अगर कोइंसिडेंट हो गया तो आपके पास एक प्लेन रहेगा, और इधर अगर मैं बी को यहां पे रख देता हूं सिक्स,
बी को अगर थ्री बी नॉट इक्वल टू थ्री है, मतलब अगर मैं बी को सिक्स रख देता हूं तो वापस यहां से क्या आ जाएगा, नहीं यहां से तो कुछ कॉमन नहीं जा पाएगा। तो बी अगर कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये जो अगला प्लेन आएगा ये हमेशा क्या होगा, नॉन पैरेलल नहीं होगा, ठीक है ना। दो प्लेन तो कोइंसिडेंट हो गया फॉर ए इक्वल टू टू, बट बी का वैल्यू यहाँ पे अगर अदर देन थ्री में कुछ भी रखा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये इस प्लेन के पैरेलल तो कभी नहीं आ सकता है, ना डिसजॉइंट ना कोइंसिडेंट, ठीक है। तो हमेशा एक लाइन तो मिलेगा ही मिलेगा, अगर एक लाइन मिलता है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही आएगा, मतलब ये भी आपको क्या देगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का प्रोबेबिलिटी ही दे देगा। अगर ये भी आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन का प्रोबेबिलिटी दे देता है तो ये कभी भी नो सॉल्यूशन का आंसर नहीं हो सकता। तो नो सॉल्यूशन के लिए आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ यही हो जाएगा। अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने किस तरीके से इसको जज किया सारे एंगल से, उस चीज को आप ध्यान से पहले समझने का प्रयास करना। ये हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला आंसर। ये यूनिक सॉल्यूशन तो सिंपल था, बट इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन में यहाँ पे बहुत सारे केसेस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा जो मैंने यहाँ पे आपको बताया। अगर इस तरीके से आप केसेस पे ध्यान नहीं देते हो तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चेक करना चाहते हो कि इसके लिए वाकई नो सॉल्यूशन आ रहा है या नहीं, आप देख सकते हो, मान लो ए को अगर टू रहने नहीं देते हो, आप ए को टू अगर नहीं रखने देते हो तो मैं ए को और आप बी को थ्री रख रहे हो ना, बी को थ्री रख रहे हो आप, ठीक है, बी को थ्री रखो, आपने इस चीज के लिए नो सॉल्यूशन मेरे को दिखा रहा है ना, मैं दिखा रहा हूं आपको, बी को अगर थ्री रखते हो तो एक इक्वेशन आएगा एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इक्वल टू फाइव, ठीक है, ये क्या आएगा एक्स प्लस वाई प्लस थ्री जेड इक्वल टू फोर। अभी अगर ए को आप टू नहीं रख रहे हो तो मान लो ए को मैं एनी रियल वैल्यू अदर देन टू रख सकता हूं आर माइनस टू, तो मैं ए को यहां पे क्या रखने वाला हूं जानते हो, मैं रखने वाला हूं यहां पे फोर, फोर मैं ए का वैल्यू यहाँ पे फोर डालता हूँ, फोर डालने से टू कॉमन आएगा और अंदर आ जाएगा एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इक्वल टू एट, ये कैंसिल आउट होकर यहाँ पे फोर आ जाएगा। तो देखो एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इक्वल टू फोर है, एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इक्वल टू फाइव है, तो अल्टीमेटली ये क्या आ गया फोर इक्वल टू फाइव, मतलब डिसजॉइंट प्लेन्स आ गया, तो नो सॉल्यूशन तो ऐसे ही होगा ना, समझ मेरे पास। तो ए अगर टू नहीं होता है तो ए का दूसरा कोई भी वैल्यू रखने का प्रोबेबिलिटी बन जाता है और उस केस में अपन बोल सकते हैं नो सॉल्यूशन तो कंफर्म होगा ही होगा, क्लियर है, समझ मेरे बात। नो सॉल्यूशन के लिए आंसर हो जाएगा ए बिलोंग्स टू रियल माइनस टू और बी इक्वल टू थ्री, इनफाइनाइट के लिए ये होगा आंसर, और सॉरी ये भी एक इनफाइनाइट का पॉसिबिलिटी हो सकता है और ये भी इनफाइनाइट का पॉसिबिलिटी हो सकता है, क्लियर है, समझ मेरे बात। और यूनिक सॉल्यूशन के लिए ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से सारे एंगल से आपको सोचना पड़ेगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर इस पूरा टॉपिक को आपको क्लियर करना है तो बार बार से अगर आप यही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए जो सारे किताब सारे मटेरियल में आपको मिल जाएगा, ये क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है, इसको अगर आप नहीं किए तो इस जगह पे आप स्ट्रगल करोगे, क्लियर है। चलो अभी पढ़ते ही हूं। अच्छा दोस्त, मैं आपके साथ एक चीज एक पॉइंट मिस हो गया, एक पॉइंट इस क्वेश्चन में और डिस्कस कर लेता हूँ, जरा ध्यान से देखो कि यूनिक सॉल्यूशन का तो आंसर ये है, बिल्कुल सही है, बट जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन था तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का सबसे पहला कंडीशन था कि ये चारों के चारों को सेटिस्फाई करना होगा, मतलब चारों का पॉइंट ऑफ मतलब इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा एक तरीके से, अगर चारों का इंटरसेक्शन लेता हो तब तो बी इक्वल टू थ्री नहीं आएगा ना, क्लियर है, तो सिर्फ क्या आएगा ए इक्वल टू टू आएगा, ठीक है ना, क्योंकि बी इक्वल टू थ्री के लिए ये तो जीरो नहीं होगा ना, ये तो जीरो नहीं होगा, है ना। अगर आप बोल सकते हो तो ए इक्वल टू टू एंड बी इक्वल टू थ्री बोथ वन ऑफ द पॉसिबल आंसर होगा, बट बी पे कंडीशन लगाने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि बी जो सिर्फ थ्री होगा ऐसा नहीं है, बी यहाँ पे नॉट इक्वल टू थ्री भी दिखा रहा है, तो अल्टीमेटली इन दोनों केस का यूनियन आना चाहिए था, दैट इज ए इक्वल टू टू एंड बी बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, दिस विल बी द आंसर फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो बी का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे थ्री पुट कर रहा हूं तो भी मेरे को ये दोनों तो आइडेंटिकल हो गया और ये अलग प्लेन मिल रहा है, अगर b का वैल्यू यहाँ पे 3 ना रख करके 10 रखता हूँ या फिर कुछ और रखता हूँ तो भी तो ये कोई सेपरेट प्लेन मिलेगा ना और इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो b पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, b का वैल्यू कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्लियर है। इसीलिए a इक्वल टू टू होना नेसेसरी है, क्योंकि a इक्वल टू टू होने के साथ साथ ये चारों के चारों जीरो हो जाएगा और बी का वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे बी कुछ भी हो सकता है, बी बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रियल नंबर डालेंगे तो मेरे को एक नॉन पैरेलल प्लेन ही मिलेगा सच दैट दोनों का इंटरसेक्शन एक लाइन आएगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे ये दोनों आंसर ना दे करके आप इन दोनों का यूनियन दोगे, दैट इज ए इक्वल टू टू एंड बी बिलोंग्स टू आर, क्लियर है, समझो। तो ये एक बात गया। एक और बात मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था कि बहुत सारे जगह पे देखो कि आपकी नो सॉल्यूशन वाला आंसर दिया है सिर्फ बी इक्वल टू थ्री,
ठीक है ना, बट ये गलत है। बी इक्वल टू थ्री सिर्फ देने से काम नहीं चलेगा, बहुत अच्छे अच्छे बुक्स में लिखा है, ए नॉट इक्वल टू टू भी साथ में लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं सिर्फ बी, वो लोग क्या सोचते हैं ना, वो सिर्फ ये वाला कंडीशन लगा देते कि डेल्टा इक्वल टू जीरो और एनी वन ऑफ डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री शुड बी नॉट जीरो, तो डेल्टा जीरो हो गया बी थ्री के लिए और कोई बी थ्री के लिए तो ये जीरो नहीं हो सकता, तो वही हो गया आंसर, ठीक है ना। बट वो ये नहीं सोचते कि बी थ्री होने के साथ साथ अगर ए बी टू हो जाता है तब तो चारों के चारों जीरो हो जाएगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का पॉसिबिलिटी बन रहा है, जबकि जरूरी नहीं है कि चारों के चारों जीरो हो जाएगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही बनेगा, बट यहाँ पे तो बन रहा है ना, ए इक्वल टू थ्री और बी इक्वल टू टू के लिए, ए इक्वल टू टू और बी इक्वल टू थ्री के लिए, बी का ए का वैल्यू अगर टू हो गया तो बी का, बी ए का वैल्यू अगर टू हो गया तो बी पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, डायरेक्टली अपन बोल सकते हैं ए का वैल्यू टू होने से इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा बी कुछ भी होने से, समझ रहे हो ना। तो अगर ए टू होने से डायरेक्टली इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहा है तो मुझे जब नो सॉल्यूशन चाहिए होगा तो ए शुड नॉट बी टू, ये कंडीशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये सब चीजें मतलब मेजर बुक्स में, मैं मेजर मटेरियल में आपको ये मैं गलत दिखा दूंगा, ये आपको तभी समझ आएगा जब आप प्लेन का कंसेप्ट अच्छे से समझोगे, जो मैंने लास्ट लेक्चर में 90 मिनट मेहनत किया था आपके साथ, ठीक है। ये हो गया प्रॉपर आंसर फॉर नो सॉल्यूशन, ये हो गया प्रॉपर आंसर फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और ये हो गया प्रॉपर आंसर फॉर यूनिक सॉल्यूशन, क्लियर है। तो इस चीज को अच्छे से समझ के रखिएगा। यहाँ पे मैंने एक और पार्ट बोल के दिया कि डू द सेम क्वेश्चन विद फाइव, यहाँ पे अगर फाइव आ जाता है तो क्या नफरा होगा, अगेन ये क्वेश्चन पूरा लिखने के बाद अच्छे से खुद को समझा के कॉपी में नोट करने के बाद आप ये क्वेश्चन विद फाइव करके मेरे को आंसर बोलोगे क्लास में आकर, ठीक है। हम आगे अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है होमोजीनियस सिस्टम और उसको सॉल्व करने के लिए दिया गया है, क्लियर है, चलो ठीक है। थ्योरी अच्छे से ग्रिप में लेके आ जाओ, थ्योरी में बातचीत कर लो अच्छे से, उसके बाद एक या दो क्वेश्चन सॉलिड अच्छे से करा दो, बस सफिशियंट, और किसी चीज का कोई जरूरत है ही, आराम से हो जाएगा, क्लियर है। चलो सॉल्व द होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का या तो नो सॉल्यूशन होने का तो चांस ही नहीं है, बिकॉज ट्रिवियल सॉल्यूशन तो हमेशा ही होगा जीरो जीरो जीरो, तो या तो आपका एक पॉसिबिलिटी होगा जीरो 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 या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक या फिर इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन अगर होता है दैट इज नॉन जीरो सॉल्यूशन भी आएगा, ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल बोथ आएगा, तो उसके लिए डेल्टा चेक करना पड़ेगा, डेल्टा क्या हो रहा है सबसे पहले, तो डेल्टा क्या है, थ्री वन टू माइनस फोर वन थ्री और फाइव माइनस टू वन, अगर डेल्टा नॉन जीरो आया तो इनकंसिस्टेंट, ठीक है। बट अगर डेल्टा, ठीक है ना, अगर सॉरी डेल्टा नॉन जीरो तो इस केस में आ ही नहीं सकता है, सॉरी डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री ये चारों तीनों के तीनों तो जीरो हो जाए, ये तीनों के तीनों तो जीरो हो जाए, डेल्टा नॉन जीरो तो इनकंसिस्टेंट, ये तो उस केस में था ना, टू वेरिएबल थ्री इक्वेशन वाला सिस्टम में, ठीक है ना। तो यहां पे अपन क्या बोलेंगे कि अगर डेल्टा नॉन जीरो आ गया तो ट्रिवियल सॉल्यूशन और जीरो आ गया तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां पे अपन क्या बोलेंगे, चेक कर लेते हैं डेल्टा क्या है, वन प्लस फाइव, यहाँ पे माइनस फोर, ये हो जाएगा आपका माइनस फोर माइनस वन, और यहाँ पे प्लस फाइव, ये थ्री माइनस टू होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 18, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 20 और यहाँ पे आ जाएगा 5, तो ये तो नॉन जीरो आ रहा है, डेल्टा नॉन जीरो मतलब क्या, ट्रिवियल सॉल्यूशन सही आएगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन है क्या, ठीक है ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो है, क्या करेगी, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता तो हम कैसे निकालते, कैसे निकालते, जेड को टी रख देते हैं, जेड को टी रख के एक्स और वाई निकाल देते इन टर्म्स ऑफ टी, ठीक है ना, एक्स और वाई इन टर्म्स ऑफ टी निकाल करके दिखा देते इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और उसको थर्ड इक्वेशन में चेक करने का जरूरत नहीं, क्योंकि थर्ड इक्वेशन में चेक करोगे तो ऐसे ही सैटिस्फाई, मतलब हमेशा जरूरी नहीं है सैटिस्फाई करेगा, क्योंकि यहाँ पे नो सॉल्यूशन का तो कोई केस है ही नहीं ना, सैटिस्फाई करेगा पता ही चलता है, फिर भी आप चेक करके देख लीजिएगा, क्लियर है, समझो मेरी बात, तो बस वही चीज है, ठीक है ना। तो इस केस में तो डेल्टा नॉन जीरो आ गया मतलब आपका ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, दैट इज जीरो 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 इज द ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन, क्लियर है, समझो मतलब, आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते कैलकुलेशन से ही आंसर देख लेना एक बार, थ्री माइनस फोर फाइव, वन वन माइनस टू और टू थ्री वन, तो ये आ जाएगा वन प्लस सिक्स, सेवन इंटू थ्री ट्वेंटी, तो सेवन होगा, वन प्लस सिक्स आएगा तो सेवन इंटू थ्री ट्वेंटी वन हो जाएगा ये, और फिर आएगा माइनस फोर, ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस फोर कर देते हैं, और वन माइनस माइनस प्लस फोर ये फाइव कर देते हैं ना, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस फाइव, थ्री माइनस टू,
तो ये 5 आएगा, ये 20 आएगा और ये 21 आएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, 46 आ रहा है, नॉन जीरो ही होगा। तो यहाँ पे तो प्रोबेबल सॉल्यूशन होगा, बट और भी क्वेश्चन आपको शीट में मिल जाएगा जहां पे नॉन प्रोबेबल सॉल्यूशन भी आ सकता है। तो नॉन प्रोबेबल सॉल्यूशन मतलब क्या, इन केस ऑफ होमोजेनियस सिस्टम नॉन प्रोबेबल सॉल्यूशन मतलब ही इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो आपको रिप्रेजेंट करके दिखाना पड़ेगा, वैसे दिखाओगे z को t मान के x y निकाल दोगे इन टर्म्स ऑफ t। क्लियर है? अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k पूछ रहा है फॉर द सिस्टम, टू वेरिएबल सिस्टम दिया हुआ है तो हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो डेल्टा, डेल्टा क्या होगा, k प्लस 1 8 और यहां पे k और k प्लस 3, ये हो जाएगा डेल्टा, ये हो जाएगा आपका डेल्टा, ठीक है ना। फिर डेल्टा 1 क्या होगा, डेल्टा 1 ये हो जाएगा डेल्टा, डेल्टा 1 क्या होगा, k प्लस 1 8 और k प्लस 3, फिर डेल्टा 1, डेल्टा 1 क्या हो जाएगा 4k और 3k माइनस 1, 4k और 3k माइनस 1 और ये हो जाएगा 8 और k प्लस 3। और डेल्टा 2 क्या हो जाएगा, डेल्टा 2 हो जाएगा k प्लस 1 k और इधर आ जाएगा आपका 4k और 3k माइनस 1। क्लियर? ये कैलकुलेट करो, ये कितना आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3 माइनस 8k, ये आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 3। ये कैलकुलेट करो आ जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 12k माइनस 24k प्लस 8, ये आ जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 12k प्लस 8 और ये आएगा 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस k माइनस 1 माइनस 4k स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 1, तो ये आ गया माइनस ऑफ k माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया 4 इंटू k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2, तो 4 इंटू k माइनस 1 इंटू k माइनस 2 और ये आ जाएगा k माइनस 1 इंटू k माइनस 3। तो सबसे पहली बार आपको क्या बोला है कि आपको चाहिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए k को क्या होना पड़ेगा, पहले तो सबको जीरो होना पड़ेगा और सब जीरो तभी होगा जब k का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। k का वैल्यू 1 अगर हुआ तभी तो सब सबके सब जीरो होगा ना, तो k का वैल्यू एक ही पॉसिबल होगा, k इक्वल टू 1, है ना। इनफाइनाइट सॉल्यूशन सिंपल सवाल है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है लंबा क्या होगा, सच दैट नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन चाहिए, चेक कर लो नो सॉल्यूशन क्या होगा, देख लो यार लास्ट सवाल कर लेते हैं, उसके बाद अपन करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट जो कि एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। क्लियर? चलो यहां पे अपन क्या सोचते हैं, 2x डेल्टा लिख देते हैं, डेल्टा क्या है 2 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 2 1 और इधर आएगा 1 1 अल्फा, ठीक है। डेल्टा 1 क्या करते हैं, डेल्टा 1 क्या जाएगा 12 माइनस 4 और 4, 12 माइनस 4 और 4 माइनस 1 माइनस 2 1 और माइनस 1 1 और अल्फा, ठीक है। डेल्टा 2 क्या आएगा 2 1 1 12 माइनस 4 और 4 और माइनस 1 1 और अल्फा, और डेल्टा 3 आ जाएगा 2 1 1 माइनस 1 माइनस 2 1 और 12 माइनस 4 और 4, मिलेगा 12 माइनस 4 और 4, सही है। तो यहां से आंसर क्या आएगा बोलो भाई, यहां से तो आंसर आ जाएगा 2 इंटू माइनस 2 अल्फा, माइनस 2 अल्फा माइनस 1, फिर माइनस माइनस प्लस 1 इंटू अल्फा माइनस 1 और यहां पे माइनस 1 इंटू 1 प्लस 2, ठीक है ना। तो ये माइनस 4 अल्फा माइनस 2 प्लस अल्फा माइनस 1 और माइनस 3, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 3 माइनस 3 माइनस 6 और माइनस 3 अल्फा, दैट इज माइनस 3 कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस 2। इधर क्या आएगा, इधर कुछ पता लग रहा है क्या, इधर आएगा 12 इंटू माइनस 2 अल्फा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस 4 अल्फा माइनस 4 और माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 4 प्लस 8, ठीक है। तो ये आएगा माइनस 24 अल्फा माइनस 12, ठीक है ना, माइनस 4 अल्फा माइनस 4 और ये हो जाएगा आपका माइनस 4, ठीक है। तो ये कितना आएगा यहाँ पे, माइनस 8 और माइनस 20 और माइनस 28 अल्फा, ठीक है। तो ये माइनस 4 अगर कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 5 प्लस 7 अल्फा, ठीक है। तो अगले वाले चीज पर आएगा 2 इंटू माइनस 4 अल्फा माइनस 4 माइनस 12 माइनस 12 अल्फा माइनस 1 और माइनस 1
फोर प्लस फोर एट, तो ये कितना आ जाएगा यार, गंदा कैलकुलेशन यार, माइनस एट अल्फा माइनस एट माइनस ट्वेल्व अल्फा प्लस ट्वेल्व माइनस एट, तो ये हो जाएगा माइनस ट्वेंटी अल्फा और माइनस फोर, माइनस फोर अगर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा वन प्लस फाइव अल्फा, और इधर की अगर मैं बात करूं तो इधर क्या आएगा, इधर आ जाएगा आपका टू, इधर माइनस एट प्लस फोर दैट इज माइनस फोर आएगा, माइनस माइनस प्लस वन, इधर हो जाएगा फोर प्लस फोर एट हो जाएगा और प्लस ट्वेल्व तो वन प्लस टू, ठीक है, तो माइनस एट प्लस एट और प्लस थर्टी सिक्स, तो ये आएगा थर्टी सिक्स, तो ये तो नॉन जीरो ऐसे ही आ गया, ठीक है ना, ये अगर नॉन जीरो आ गया तो काम खत्म हो गया ना, सिर्फ अल्फा का वैल्यू अगर मैं माइनस टू रख देता हूँ तो ही तो डेल्टा जीरो हो जाएगा और डेल्टा थ्री नॉन जीरो है तो नो सॉल्यूशन, ऐसे ही आ जाए, सिर्फ कैलकुलेशन का टफनेस है और हकीकत में कुछ टफनेस है ही, है ना, अल्फा माइनस टू होने से ये तीनों के तीनों नॉन जीरो हो जाएगा ना, तो खत्म, ये तीनों नॉन जीरो, डेल्टा जीरो और आंसर नॉन जीरो, नो सॉल्यूशन, ये थ्री वाला ऑप्शन हो गया, मतलब वो थर्ड वाला केस का कोई आया ही नहीं वैलिडिटी, थर्ड वाला मतलब समझ रहे हो ना कि जब डेल्टा डेल्टा वन डेल्टा टू सबके सब जीरो होता है तब नो सॉल्यूशन का प्रोबेबिलिटी बनता है, इसी जगह पे बच्चे टीचर सब बुक्स मिसिंग, मतलब मिसिंग है ये कंसेप्ट सब जगह पे, समझो मेरी बात, तो ये कब आएगा जब फैक्टर्स जो है चारों जगह पे कॉमन आएगा, ताकि एक वैल्यू के लिए सबके सब जीरो हो जाए और सवाल नो सॉल्यूशन में पूछा जाए तब मजा आएगा, जो तीसरा वाला क्वेश्चन था, इसीलिए बोल रहा हूँ कि पूरा छह क्वेश्चन या पूरा शीट में उठा लो, तीसरा वाला क्वेश्चन जिसको समझ नहीं आया तो उसके लिए ये टॉपिक पूरा पूरा बेकार है, ठीक है, इसीलिए सबसे स्ट्रेस देकर के वही क्वेश्चन को करो, फिर शीट करो, पानी के तेरे सारे सवाल बन जाए, क्लियर है क्या, कुछ है ही नहीं, समझ मेरी बात, क्लियर है, खत्म हुआ ये टॉपिक, अभी अपन स्टार्ट करते हैं हमारा अगला कंसेप्ट, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ ट्रू डिटर्मिनेंट, जो बहुत ही तगड़ा और अच्छा कंसेप्ट है, चलिए देखते हैं, चलिए हमारा अगला टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स, स्टार्ट करते हैं, तो बेसिकली अभी आपको मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन भी मिलेगा आगे जा करके, बट अभी हम डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लीकेशन करने वाले हैं, तो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लीकेशन ये एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, मैं जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो चाहे मेंस और एडवांस को हर जगह पे इसका सवाल भर भर के पूछा गया है, याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा दिमाग वाला टॉपिक है, रिटन ट्रायल वगैरह यहाँ पे थोड़ा बहुत काम आ जाएगा, ठीक है, देखते हैं टॉपिक पढ़ लो पहले फिर डिसाइड करो कि आपके लिए सुटेबल है या नहीं, बट अगर आप समझ गए तो बहुत ही आसान है और बहुत ही काम का है, जेके अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चंस, मैंने दो तीन जेके क्वेश्चन भी पीक किए, मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली कि किस तरीके से कैलकुलेशन जो है वो रिड्यूस हो जाता है, चलिए देखिए पहले तो मैं आपको सिखाता हूं कि दो डिटरमिनेंट को हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पहला कंडीशन जो है इस कंडीशन को आप ध्यान से समझिएगा कि अगर आपको कोई भी दो डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करना है तो उन दोनों के दोनों डिटरमिनेंट का जो ऑर्डर होना वो ऑर्डर जो है वो सेम होना पड़ेगा, तो एग्जांपल दिखाता हूं मैं, जैसे चलिए पी वन क्यू वन आर वन लेते हैं, पी टू क्यू टू आर टू लेते हैं और पी थ्री क्यू थ्री आर थ्री लेते हैं, तो ये दोनों के दोनों थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट है और उनके बीच में ही अपन मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, अदरवाइज कोई मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन बिटवीन टू डिटरमिनेंट्स पॉसिबल कब होता है, जब दोनों के दोनों डिटरमिनेंट्स सेम ऑर्डर के होते हैं, क्लियर है क्या, दोनों का ऑर्डर जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होना पड़ेगा, अभी अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो अपन मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, उस चीज को पहले समझ कर कि कैसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे इस केस में, ठीक है ना, इस केस में हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं जानते हो क्या, आप क्या करो, आप रो टू रो मल्टीप्लीकेशन करो, जैसे ये रो इस रो के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा, फिर ये रो इस रो के साथ मल्टीप्लाई करोगे सेकेंड मिलेगा, ये रो थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करोगे थर्ड मिलेगा, क्लियर है क्या, तो रो वन का जो तीन एलिमेंट है वो अगर आपको निकालना है, मल्टीप्लीकेशन ये एलिमेंट टू एलिमेंट चलेगा ना, एलिमेंट टू एलिमेंट, तो रो वन का जो तीन एलिमेंट है वो आपको मिलेगा रो वन रो वन रो वन रो टू और रो वन रो थ्री से, ठीक है ना, ऐसा नहीं, अच्छा पहले मैं बता देता हूं, तो ये हो जाएगा आपका ए वन पी वन प्लस ए टू पी टू प्लस ए थ्री पी थ्री, ये आ गया रो वन का फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, फिर रो टू का सेकेंड एलिमेंट क्या होगा, ए वन क्यू वन
प्लस ए टू क्यू टू प्लस ए टू ए थ्री क्यू थ्री प्लस ए थ्री क्यू थ्री, और थर्ड एलिमेंट क्या हो जाएगा बोलो, ए वन आर वन प्लस ए टू आर टू प्लस ए थ्री आर थ्री, ये हो जाएगा थर्ड एलिमेंट। सिमिलरली जब मैं रो टू के तीन एलिमेंट्स निकालने जाऊंगा तो रो टू के तीन एलिमेंट्स कौन डिसाइड करेगा बोलो, रो टू के तीन एलिमेंट्स डिसाइड करेगा पहले का रो टू वर्सेस रो वन, फिर रो टू वर्सेस रो टू, फिर रो टू वर्सेस रो थ्री, इसको डैश 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 बोल देते हैं, ठीक है ना, तो और क्लियर रहेगा, समझ लो, तब जाकर के आपको रो टू का सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो ये क्या होगा, बी वन पी वन प्लस बी टू पी टू प्लस बी थ्री पी थ्री, इस तरीके से अपन मल्टीप्लीकेशन करेंगे, बी टू पी टू प्लस बी थ्री पी थ्री, फिर क्या आएगा, बी वन क्यू वन प्लस बी टू क्यू टू प्लस बी थ्री क्यू थ्री, अगर चाहे तो आप इसको एक्सपांड करके प्रूफ करके देख सकते हैं, दोनों का वैल्यू सेम आएगा, और बी वन आर वन प्लस बी टू आर टू प्लस बी थ्री आर थ्री, समझ लो मेरी बात, क्लियर है। फिर थर्ड वाले पे क्या करेंगे, समझ ही गए होंगे आप, है ना, सी वन पी वन प्लस सी टू पी टू प्लस सी थ्री पी थ्री, समझ रहे हो, फिर C1 Q1 प्लस C2 Q2 प्लस C3 Q3, और थर्ड C1 R1 प्लस C2 R2 प्लस C3 R3, ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लीकेशन बिटवीन दिस टू डिटरमिनेंट। अगर दोनों के दोनों डिटरमिनेंट ऑर्डर थ्री का है तो जो आंसर आएगा वो भी थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट ही आएगा, क्लियर है क्या। तो इस तरीके का चीज काफी यूजफुल है, और इसका एप्लीकेशन क्या है वो तो अपन वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स के थ्रू देखने वाले हैं, ठीक है ना, तो ये आप समझ गए। अभी आप देखो, ये जरूरी नहीं है कि आप रो से रो ही करो, एक चीज मैं बता देता हूं, आप रो से अगर शुरू किए तो रो से ही करोगे, हाँ, ऐसा नहीं कि इसके इस ये जो फर्स्ट रो का एलिमेंट्स निकाले हो तो आप रो से निकाले और सेकंड एलिमेंट्स में आप कॉलम पकड़ना शुरू कर दिए, ठीक है ना, अगर रो से कर रहे हो तो ऐसे रो से ही करोगे सारे चीज, या फिर अगर आप रो से रो मल्टीप्लीकेशन करके भी इसका आंसर निकाल सकते हो, या फिर आप इसका रो से पहले वाले का रो से सेकंड वाले का कॉलम पकड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। जैसे ए वन ए टू ए थ्री के साथ पी वन क्यू वन आर वन पकड़ो, फिर पी टू क्यू टू आर टू पकड़ो, फिर पी थ्री क्यू थ्री आर थ्री पकड़ो, ऐसे भी हो सकता है, ए वन पी वन प्लस ए टू क्यू वन प्लस ए थ्री आर वन यहाँ पे आ जाएगा, ए वन पी टू प्लस ए टू क्यू टू प्लस ए थ्री आर टू यहाँ पे आ जाएगा, और ए वन पी थ्री प्लस ए टू क्यू थ्री प्लस ए थ्री आर थ्री थर्ड में आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली बी वन पी वन प्लस बी टू क्यू वन प्लस बी थ्री आर वन यहाँ पे आ जाएगा, सेम होगा, सबका वैल्यू सेम होगा, इसका वैल्यू और उसका वैल्यू जो आएगा वो भी सेम होगा। सिर्फ ये दोनों नहीं, अपन कोलम टू रो भी कर सकते हैं, जैसे कि इसका ये कोलम और इसका ये रो लिया, तो ये क्या होगा, ए वन पी वन प्लस बी वन पी टू प्लस सी वन पी थ्री, फिर ए वन क्यू वन प्लस बी वन क्यू टू प्लस सी वन क्यू थ्री, फिर ए वन आर वन प्लस बी वन आर टू प्लस सी वन आर थ्री, ऐसे भी कर सकते हैं, या तो आप कोलम से कोलम भी कर सकते हो, दैट इज ए वन पी वन प्लस बी वन क्यू वन प्लस सी वन आर वन फर्स्ट एलिमेंट, फिर ए वन पी टू प्लस बी वन क्यू टू प्लस सी वन आर टू, ये हो जाएगा कोलम का सेकेंड एलिमेंट। ऐसा नहीं कि आप यहां पे बैठा रहे हो, है ना, कि आप इसको और इसको जब मल्टीप्लाई कर रहे हो ऐसे, तो आपका एलिमेंट जो है वो ऑब्वियसली ऐसे फिल होता जाएगा ना, फिर इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो इस जगह पे पुट करोगे, है ना, ऐसे मत कर देना कि ए वन क्यू वन प्लस ए वन क्यू वन बी वन क्यू वन प्लस सी वन आर वन, तो आप यहाँ पे लिखे और इस और अगला वाला जो होगा ए वन पी टू प्लस बी वन क्यू टू प्लस सी वन आर टू, वो आप यहाँ पे ला लिख के यहाँ पे लिख रहे हो, अगर यहाँ पे लिख रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगा, समझ रहे हो ना, जिस चीज से आप मल्टीप्लाई करोगे उस जगह पे एलिमेंट्स को रिप्लेस करोगे जो नया मल्टीप्लीकेशन के बाद आएगा, समझ रहे हो ना, तो दिस इज द एंटायर प्रोसेस फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिटरमिनेंट, ठीक है ना, इन चारों ही तरीके से हम करते हैं, बट मैं फिर भी सजेस्ट करता हूं कि ये तीनों होता है, ये आप जान के रखो, बट अप्लाई आदत आप इसी में डाल के रखो, ठीक है, ज्यादा सोचने से भी कंफ्यूजन होगा, आदत आप इसी में डालो और ऐसे ही करें जाता है, क्लियर है क्या। अभी बहुत बच्चा मेरे क्लास में सवाल पूछता है, सर आपने तो बोल दिए कि मल्टीप्लीकेशन बिटवीन टू डिटरमिनेंट पॉसिबल होगा जब दोनों डिटरमिनेंट का ऑर्डर सेम होगा, अगर दोनों का ऑर्डर सेम नहीं होता है तो क्या मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है सर। अगर एक डिटरमिनेंट एबीसीडी ऐसे होता है और दूसरा डिटरमिनेंट मान लो सर ऐसे हो जाता है पी वन क्यू वन आर वन पी टू क्यू टू आर टू पी थ्री क्यू थ्री आर थ्री, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन नहीं पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी मैं मल्टीप्लीकेशन कर सकता हूं, बोलो कैसे, कि जिसका ऑर्डर ज्यादा है उसको पहले इस ऑर्डर में कन्वर्ट करूंगा एंड देन मल्टीप्लीकेशन करूंगा। देखो कैसे करूंगा, ए बी सी डी इसको रहने दो, इधर आप क्या करो, सबसे पहले पी वन इंटू इसको एक्सपांड करो ना, पी वन इंटू क्या आएगा
Q2 R2 Q3 R3 ऐसे आएगा ना, फिर आएगा माइनस Q1 इंटू क्या आएगा P2 R2 P3 R3 ऐसे आएगा, और फिर आएगा आपका प्लस R1 से क्या आएगा P2 Q2 और P3 Q3। अभी अगर आप देखते हो तो P1 into this two determinant का प्रोडक्ट आएगा, माइनस Q1 into ये दोनों determinant का प्रोडक्ट आएगा, प्लस R1 into ये दोनों determinant का प्रोडक्ट आएगा। इस तरीके से कर सकते हैं, समझ रहे हो, क्लियर है? तो पहले जो ऑर्डर ज्यादा वाला determinant है उसको मैं कम वाले ऑर्डर में रिड्यूस करूंगा जस्ट इसको एक्सपांड करके, समझ रहे हो ना, क्लियर है? अगर यहाँ पे थर्ड ऑर्डर है, यहाँ पे फोर्थ ऑर्डर है, जो कभी होगा नहीं, आएगा नहीं ऐसा चीज, तो फोर्थ ऑर्डर को पहले एक्सपांड करूंगा इन टर्म्स ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट, देन थर्ड ऑर्डर मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्लियर है, समझ रहे हो मेरी बात पक्का? तो वही चीज आपको समझना अच्छे से, यह है एग्जैक्ट प्रोसेस ही है। बट प्रॉब्लम ये होता है कि क्वेश्चन करने के टाइम हम ये डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन नहीं करते कभी, हम क्या करते जानते हो, हमारे पास ऐसे चीज दिया हुआ रहता है और इस जगह से हम इस चीज में कन्वर्ट करते हैं, इसीलिए ये चीज थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है हमारे लिए, समझ रहे हो ना, हम ये चीज करते हैं और इस चीज से हम इस चीज पे कन्वर्ट करते हैं चीजों को, समझ रहे हो मेरी बात, इस चीज से इस चीज में कन्वर्ट करते हैं, तो इस चीज से ये चीज जो सोचना है ना वो सोचना ही थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा एप्टीट्यूड या फिर दिमाग का एप्लीकेशन यहाँ पे होगा, ठीक है, आप मान के चलो, समझ रहे हो, देखो सारे क्वेश्चन में ये दिया है ये सबको अपन प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट में एक्सप्रेस करेंगे, तो मैंने तो आपको प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट निकालना सिखाया, बट टॉपिक का क्वेश्चन जो है उसमें ज्यादातर काम आता है कि कैसे एक डिटरमिनेंट को हम दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करेंगे, वरेस इसका उल्टा चीज काम आता है, इसीलिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, समझ गए ना, क्लियर है? तो समझ के रखना, अच्छे से नोट करके रखना, सब कुछ समझ के रखना, क्लियर है? अभी इस टाइप का क्वेश्चन है ना, ये टाइप का क्वेश्चन, अभी आप बोलोगे सर ये तो आप डायरेक्ट डिटरमिनेंट से भी कर सकते थे, जो ऑर्डिनरी प्रॉपर्टीज है वो सब अप्लाई करके, यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन ही लगाना है वो हमारा दिमाग में कैसे आएगा, तो उसका जवाब मेरे पास एक ही है कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस टॉपिक में खास करके, तो बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस का जरूरत है, ये पूरा प्रैक्टिस डिपेंडेंट टॉपिक है, ठीक है, अगर यहाँ पे अगर आपका प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा नहीं हुआ तो आप पकड़ ही नहीं पाओगे कि सवाल जो मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व हो सकता है, क्लियर है क्या? इतना प्रैक्टिस करना है अच्छे क्वेश्चंस के साथ जो आपके शीट में हमेशा मौजूद रहता है, ठीक है, ताकि आपका ये सब पूरा एकदम मुट्ठी में ग्रिप पे आ जाए, देख के पता चल जाए कि एग्जैक्टली हमारे को एग्जामिनर क्या सोच के सवाल बना के पूछ रहा है, ठीक है ना। और ज्यादातर आप ये हिंट दे सकता हूं मैं, जब भी आप देखोगे ना कि 9 के 9 एलिमेंट एकदम गंदा दिया हुआ है ना, एक डिटरमिनेंट में वेरिएबल के फॉर्मेट में है और 9 के 9 एलिमेंट एकदम गंदा दिया हुआ है, ठीक है, तो आप समझ जाना कि ये मल्टीप्लिकेशन से ही होने वाला है, ठीक है, एग्जामिनर ने हो सकता है प्रॉपर्टी से हो जाए, पर मेरे पास इतना समय नहीं है कि इसको मैं एग्जाम में प्रॉपर्टी से सोच के करके आओ, मैं तो मल्टीप्लिकेशन से ही कर दूंगा, समझ रहे हो मेरी बात, क्लियर? जैसे JEE 2014 में जो सवाल आया प्रॉपर्टी से अगर कोई करने जाएगा इस सवाल को तो कर ही नहीं पाएगा, गारंटी है, समझ रहे हो मेरी बात, इसीलिए बोल रहा हूं कि बहुत ही आपको अच्छे से ये सब करना पड़ेगा क्योंकि ये सब चीजों का जरूरत बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो ना, है ना। तो जबकि ये देखो सारे डिटरमिनेंट में देखो कि सारे के सारे एलिमेंट्स इतना गंदा दिया हुआ है पूछो मत, ठीक है, अब समझ जा रहा कि यहाँ पे क्या लगने वाला है, मल्टीप्लिकेशन लगने वाला है, और इस टॉपिक के ऊपर जेई मेन से क्लास भर भर के सवाल पूछता है, पूरा टॉपिक का अगर मैं सबसे डिटरमिनेंट का सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बाद अगर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक का बात करूं तो यही है, ठीक है, जैसे प्रॉपर्टी वगैरह से जेई तो क्वेश्चन आपको पूछेगा नहीं, ठीक है, अगर पूछ भी लेता तो वो अलग बात है, ठीक है, तीन ही तो चीज है, प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन और सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और तो है ही नहीं चैप्टर में, तो और कुछ है ही नहीं भाई, ठीक है क्या, चलो तो करते चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, है ना, फील दिलाएंगे क्वेश्चन के साथ साथ, आप फील लीजिएगा अच्छे से एंड अपने दिमाग में तैयार करके रखिए चीजों को, और जरूरत जहां पे होगा उस जगह पे अटेम्प्ट कीजिए, लेगा समझ लो, तो प्रैक्टिस इतना ज्यादा करो, मैं ही देखो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन फिट कर लिया, इतना क्वेश्चन तो मैंने सिस्टम ऑफ इक्वेशन में भी नहीं कराया था, ठीक है ना, छह क्वेश्चन उधर भी कराया, ठीक है, तो 6 क्वेश्चन ले लिया है ना, और इधर 6 और 2 8 मान लो, 8 क्वेश्चन सफिशियंट है मेरे को पूरा एक्सप्लेन करने के लिए मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्लियर, उसके बाद शीट को आप प्रैक्टिस करो, बस कर लेना, ये टॉपिक में अगर पहले नहीं चलाओगे तो नहीं हिलेगा आपसे टॉपिक, पहले बता रहा हूँ, सवाल देख के आप प्रॉपर्टी लगाते जाओगे और जिसने प्रैक्टिस किया उसको देख के पता चल जाएगा कि सवाल तो मल्टीप्लिकेशन से हिलने वाला है और वो तुरंत 2 लाइन में ही आंसर जो है वो निकाल करके आ जाएगा, समझो मेरी बात, क्लियर है, उसका मैं फ्लेवर आपको देता हूँ, शुरू करते चलिए, पहला सवाल बोलता है डेल्टा जो है वो नॉन नेगेटिव प्रूफ करो, ठीक
ठीक है, और ये आपका आपका डेल्टा, आपका डेल्टा क्या है, आपका डेल्टा ये है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। मैंने बोला ना आपको रो 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 कोलम कोलम रो कोलम कोलम चारों चलता है, बट याद रखो आप रो से रो है ना, रो याद क्या रखना, चारों याद होगा आपको, बट मतलब प्रैक्टिस आदत डालो आप रो से रो के, एक में ही आदत डालो तो बेटर है, ठीक है। एक बार करके देखना चाहते हो करके देख लो, उसमें कोई एतराज नहीं है, बट हर सवाल को दो तीन तरीके से करने का कोई जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ क्वेश्चन अच्छे प्रैक्टिस करो और मेथड एक ही यूज करो, ठीक है ना। ये है आपका डिटरमिनेंट, काफी लिखना पड़ता है यार, ठीक है, बट अभी तो इनिशियली समझा रहा हूं तो लिख रहा हूं, ठीक है ना, बट हकीकत में जब आप बाद में रिवीजन वगैरह कर रहे होंगे तो देख देख के सवाल निकाल देंगे ये सब, ठीक है ना। अच्छा ये कर लो ये कर लो ये कर लो हो जाएगा खत्म, दैट्स इट, ऐसे ही पढ़ाते हैं, ठीक है ना। ऐसे मेहनत बार बार अगर करते रहेंगे तो थोड़ी ना चलेगा, बोलो समय कहाँ है, इतने सारे चीज पढ़ाना है, फिर भी हमने जितना पढ़ाया वही नहीं पढ़ाएगा आपको, खैर अलग बात है, आगे बढ़ते। कैसे मैं इस डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर पाऊंगा, ये समझना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अभी बोलोगे कि क्यों दो डिटरमिनेंट में ही एक्सप्रेस करना है आपको, आपको ऐसा क्यों करना है, क्योंकि मैं ये टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूं इसीलिए ये करना है, ठीक है ना। बट आपको एग्जाम में ये कैसे समझ आएगा वो तो आप प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूं ना जब नो के नो एलिमेंट्स गंदा दिया हुआ रहेगा तो 99% प्रोबेबिलिटी ये मल्टीप्लिकेशन का ही क्वेश्चन होगा, क्लियर है क्या। तो चलो किस तरीके से सोचेंगे, एक बार अगर मेरे साथ आपका फ्रीक्वेंसी मैच हो गया और समझ गए ना आप चीजों को, और कोई दिक्कत ही नहीं, आराम से समझ जाओगे। तो बस ये दिमाग में चलाओ कि मल्टीप्लीकेशन करते कैसे हम, यहां पे ऐसा दो चीज लिख दूंगा जिन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होकर के ये आने वाला है। तो मल्टीप्लीकेशन होता कैसा है, रो वन रो वन रो वन रो टू रो वन रो थ्री आएगा ये तीनों एलिमेंट, फिर रो टू रो वन ये तीनों, फिर ये तीनों, समझ रहे हो ना। तो सबसे पहले इस एलिमेंट को पकड़ो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कैसे मिलेगा आपको, एकदम एकदम फ्लैट चीज है ये सोचना, ये तो कुछ है ही नहीं सर। यहाँ पे ए यहाँ पे बी यहाँ पे सी रखो, यहाँ पे अगर ए रखे हो तो ए स्क्वायर के लिए यहाँ पे भी ए रखना पड़ेगा, यहाँ पे अगर बी रखे हो तो बी स्क्वायर के लिए यहाँ पे भी बी रखना पड़ेगा, यहाँ पे अगर सी रखे हो तो सी स्क्वायर के लिए यहाँ पे भी सी रखना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट एलिमेंट मिल गया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगला एलिमेंट क्या चाहिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के लिए यहाँ पे अगर ए है तो यहाँ पे बी चाहिए, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे सी चाहिए, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे ए चाहिए। अगला एलिमेंट क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो बच्चा मेरे को बोलता है क्या वापस बी सी ए लिख देंगे, नहीं वापस अगर बी सी ए लिख देंगे तो दो रो सेम हो जाएगा, इसका आंसर तो जीरो हो जाएगा। तो घुमा के लिखो ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए यहाँ पे दिख रहा है तो क्या हुआ, क्या इस चीज को मैं ए सी प्लस बी सी ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी नहीं लिख सकता, लिख सकते हैं, और अगर अच्छा बच्चा है तो समझ ही जाएगा सर साइक्लिसिटी फॉलो हो रहा है, देखो ना ए बी सी बी सी है तो ये ऑब्वियसली सी ए बी होगा, देखो ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी ये भी तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ही होता है, तो बस घुमा के आ रहा है आपके साथ, समझ आ रहा है ना। अगर ये आप समझ गए तो यहाँ पे तो कहानी आप समझ नहीं वाले हो, वापस साइक्लिसिटी होगा, क्यों होगा ट्रायल करके देख लो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए फिर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर ए स्क्वेयर फिर बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी आ गया ना, ये अगला वाला ऑब्वियसली सी ए बी होगा, और ये क्या है, ये तो सर्कुलेंट है ना, ये क्या है, ये हमारा फेमस इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट, इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट तो यहाँ पे बहुत काम आएगा, मैं आपको दिखा दूंगा जेई के सवाल में भी इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट अगर आपको याद नहीं है तो आप स्ट्रगल करोगे, ठीक है ना, क्लियर है। कोई भी चीज फालतू में अपन नहीं पढ़ाते, इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट रिजल्ट के साथ याद होना चाहिए प्रूफ, ठीक है। तो ये ए बी सी बी सी ए सी ए का होल स्क्वायर हो गया, और ये चीज हम सभी को पता है कि ये क्या होता है, थ्री ए बी सी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब का होल स्क्वायर, तो ये ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया। क्या क्वेश्चन था और कितने आसानी से ये चीज अपने झटके में क्लिक करा दिया, समझ रहे मेरे बात, यही है मल्टीप्लीकेशन का एप्लीकेशन, समझ आ रहा है। अगर समझ आ गया ना आपको, फील आ गया टॉपिक के साथ, तो इतना मजेदार टॉपिक है आप पूछो मत, क्लियर है, समझ रहे मेरे बात। तो इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा दोस्तों, क्लियर है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर इसी क्वेश्चन को अगर आप प्रॉपर्टी से करने गए ना तो आपका हालत खराब हो जाएगा, आप एक बार घर पे करके देखिएगा प्रॉपर्टी की मदद से इसको, समझ रहे हो, और समझ लो इसमें प्रॉपर्टी खेलना कितना मुश्किल चीज होगा, ठीक है। बच्चे बोलते हैं मेरे को प्रॉपर्टी फाइव लगाओ सर, प्रॉपर्टी फाइव कितने लगाएंगे, प्रॉपर्टी फाइव पहले इस जगह पे तो तीन आएगा और तीन आएगा और तीन आएगा, ऐसे ही नौ बन जाएगा,
ऐसे ही नाइन डिटरमिनेंट बनेगा, उनको एनालाइज करना इतना आसान बात थोड़ी है, क्लियर है, समझ रहे हो? और ऊपर से कोई जीरो होने के लिए भी तैयार नहीं रहेगा, समझ रहे हो ना, क्लियर है? तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। अगर आपको ये चीज समझ आता है तो आप बहुत ही आसानी से जे एडवांस जे मेंस में आप डिटरमिनेंट्स के अच्छे प्रॉब्लम्स को हिला सकते हैं, क्लियर है, समझ रहे हो? चलो ये सब क्या है कि एक बार ध्यान से समझना है, एक बार अगर समझ लेना है तो ज्यादा कुछ परेशान होता ही नहीं, आराम से बच्चा फ्लो फ्लो में कर देता है, कोई दिक्कत है ही नहीं, समझ मेरे बात? यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी दिख रहा है, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिख रहा है, और यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिखता है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, फिर क्या आएगा, ए टू दी पावर फोर प्लस बी टू दी पावर फोर प्लस सी टू दी पावर फोर, और यहाँ पे क्या आएगा, ए टू दी पावर फाइव प्लस बी टू दी पावर फाइव प्लस सी टू दी पावर फाइव, क्लियर है? यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देखते हैं, देखो यहाँ पे आपको सारे जगह पे तीन चीज का समेशन दिख रहा है, तो इस जगह पे इस नलाई को देख करके आपको किसी चीज का फील नहीं आ रहा, ऑब्वियसली आ रहा होगा, बोले सर इस थ्री को थ्री ना लिख करके वन प्लस वन प्लस वन लिखो ना, बोले क्यों, ऐसे ही बोलता है, मन कर रहा है, मन कर रहा है इसीलिए लिखने का मन हो रहा है, तो ये टॉपिक ऐसा ही है, मन होने वाला टॉपिक है, क्लियर है ना, जो फील आएगा उसी से काम चल जाएगा। अब इस चीज को जनरेट करना है, इस चीज को कैसे जनरेट करेगा, यहाँ पे भी वन 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 चाहिए, यहाँ पे भी वन 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 चाहिए, तभी तो वन प्लस वन आएगा ना, और बच्चा ऐसे भी बोलता है ए वन बाई ए बी वन बाई बी सी वन बाई सी, तो भी तो वन प्लस वन आएगा, बट ऐसे करने से हमें रिमेनिंग प्रॉब्लम्स में मतलब रिमेनिंग रोज या फिर कॉलम में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है, मैं करके आपको दिखाता हूँ क्या है। यहाँ पे आपको ए प्लस बी प्लस सी चाहिए, तो सेकंड वाले पे मैं क्या रखूंगा, एबीसी रखूंगा, ठीक है, बट अगर आप यहाँ पे एबीसी और वन बाई ए वन बाई बी वन बाई सी रख देते तो अभी तो आप एबीसी रख के नहीं निकाल पाते ना, अभी आप क्या रखते, अभी आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रख देते, क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है आपको, सॉरी यहाँ पे आपको वन 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 रखना पड़ता था, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप वन 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 एक ऑप्शन लेकर के चलो, ठीक है, सेकंड जब भी यहाँ पे सेकंड रो लिखोगे ना आपकी सारी चीज पे ही हो जाएगा, ये सारी चीज देखना आप अच्छे से, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, फिर अगले वाले पे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, तो यहाँ पे मैं सिंपल सा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर रखूंगा, सॉरी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर रखने से कैसे होगा, ए क्यू बी क्यू सी क्यू रखोगे, ठीक है, तो ही तो वन इंटू ए क्यू प्लस वन इंटू बी क्यू प्लस वन इंटू सी क्यू आएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, और अगर आप एबीसी लेके चलते तो डेफिनेटली आप यहाँ पे क्या रखते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्लियर है, चलो अभी करते हम सेकंड रो, सेकंड रो क्या रखेंगे, सेकंड रो के यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एबीसी चाहिए, यहाँ पे वन 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 चाहिए, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ए बी सी रखेंगे ताकि ए प्लस बी प्लस सी आ जाए, समझ लो मेरे बात, बट 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 अगर अगर आप यहाँ पे वन बाई ए वन बाई बी वन बाई सी रखते तो इस जगह पे आपको क्या रखना पड़ता, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, समझ लो मेरी बात, यहाँ पे आपको क्या रखना पड़ता, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर रखना पड़ता, समझ लो मेरी बात, फिर सेकंड एलिमेंट देखो ए बी सी और यहाँ पे ए बी सी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बन गया ना सेकंड एलिमेंट, ठीक है, बट यहाँ पे अगर आप रखते तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और वन 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 मल्टीप्लाई होके भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ही आ जाता, क्लियर है क्या, और थर्ड वाले पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ए बी सी और ए क्यू बी क्यू सी क्यू प्रोडक्ट होकर के आएगा ना टू दी पावर फोर, ठीक है, और अगर आप ये लेकर के चलते, अरे यार ये तो हो गया, दोनों तरीके से ही हो रहा है, ए टू दी पावर फोर प्लस बी टू दी पावर फोर प्लस सी टू दी पावर फोर, ठीक है, अभी अगर मैं इस जगह पे ऐसे कर देता, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चाहिए ना, तो यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर रख देता हूँ, ठीक है ना, तो ये तो आराम से आ जाएगा क्यूब और थर्ड वाला हो जाएगा फाइव फाइव फाइव, बट अगर मुझे यहाँ पे वन बाई ए वन बाई बी वन बाई सी होता तो यहाँ पे मुझे ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब रखना पड़ता, क्लियर है क्या, तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब ये आराम से हो जाता, तो ये इस चीज को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ या फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे ए बी सी लिखते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ पे ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब लिखते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वन बाई ए वन बाई बी वन बाई सी लिखते हैं, यहाँ पे वन 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 लिखते हैं और यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिखते हैं, इन दोनों डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लीकेशन भी ये बन जाएगा और इन दोनों डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लीकेशन भी ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या होगा, ये डिटर्मिनेंट को अपन नहीं पहचानते हैं, इसको तो पहचानते हैं इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट में स्टडी किए, बट इस नलायक को अपन नहीं पहचानते, यहाँ से तो एबीसी कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आप कर सकते हो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी लगा करके आप इसको आराम से हिला सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट क्या जरूरत, जब इतना आसानी से खाना पक रहा है तो क्या जरूरत इस चीज को गंदा करने का, कोई जरूरत ही नहीं है ना,
ठीक है, क्योंकि ये डिटरमिनेंट भी आपका स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट है, ये भी आपका स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट है, दोनों का वैल्यू पुट करो सॉल्व करो, आपके पास आपका आर एच एस जो है वो आपको मिल जाएगा। क्लियर है, समझ रहे हो? तो इस तरीके से फील लेना है, लिख तो बहुत कुछ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, बट लिखना क्या है वही आपको डेवलप करना है थ्रू लेक्चर्स, बेसिक और आपका प्रैक्टिस, फर्दर आपका डेवलपमेंट होगा आपके प्रैक्टिस के ऊपर कि आप कितना सवाल लगाते हो इस टॉपिक के ऊपर। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं, ये थोड़ा सा और अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। पहले बोला है कि इन दोनों डिटरमिनेंट को इक्वल शो करो और फिर बताओ कि इसका वैल्यू क्या आएगा। चलिए देखते हैं कि किस तरीके से अपन थर्ड वाले को सॉल्व करेंगे। क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते दोस्त, थर्ड वाला देखो जरा, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ एक साथ, जगह कम है आप एक साथ ब्रेक कर देता हूँ, क्योंकि ब्रेक तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज भी ये कैसे कन्वर्ट होगा। ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, बहुत कुछ लिखना पड़ेगा ये, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए वाई प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए जेड प्लस जेड स्क्वायर। अगले वाले पे क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी वाई प्लस वाई स्क्वायर, और सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस सी जेड प्लस जेड स्क्वायर। ऐसे ही ना? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे बी आएगा और अगले वाले पे सी आएगा, सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस सी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस सी वाई प्लस वाई स्क्वायर, और सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस सी जेड प्लस जेड स्क्वायर। यह है आपका डिटरमिनेंट, यह है आपका ओरिजिनल डिटरमिनेंट। अब इस चीज को मैं दो चीज में ब्रेक करना है मुझे, एग्जैक्टली क्लियर है, या दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट में मुझे ब्रेक करना है। क्लियर है? दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट में मेरे को ब्रेक करना है। सबसे पहले क्या लिख सकते हो, फील आ रहा है क्या, क्या लिख सकते हो? सबसे पहले देखो ना, एक काम करते हैं अपन, एक जगह पे तो पूरा ए को रख देते हैं और दूसरे जगह पे पूरा एक्स वाई जेड को लेके चले जाते हैं, तो अच्छा होगा ना हमारे लिए, क्योंकि अगर मिक्सचर आता है एबीसी और एक्स वाई जेड का तो अलग अलग स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट नहीं बन पाएगा ना, क्योंकि हमारा ये इंटेंशन रहता है किसी भी तरीके से अपने को स्टैंडर्ड बनाना है। सही है क्या? क्लियर है? तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर ए स्क्वायर रखते हैं, यहाँ पे माइनस के वाई से रखते हैं, यहाँ पे वन रखते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे वन रखने से ए स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे एक्स रखने से माइनस के वाई से एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर रखने से काम हो जाएगा। समझ लो, तो सिमेट्रिक से समझ के आता है कि सर अगर यहाँ पे वन एक्स एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे वन वाई वाई स्क्वायर, और यहाँ पे वन जेड जेड स्क्वायर हो जाएगा, काम खत्म हो गया। ये है क्या? और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस टू बी वन, यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस टू सी और वन। क्लियर है? तो एक आराम से ब्रेक हो गया। समझ लो मेरे पास, अभी आपको प्रूफ किस में करना है, इस चीज में जाना है, दैट इज वन प्लस ए एक्स होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा क्या, वन प्लस ट्वाइस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर मिलेगा, ठीक है ना। तो अभी वन प्लस ट्वाइस ए एक्स चाहिए, ठीक है ना, वन प्लस ट्वाइस ए एक्स चाहिए प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो जनाब ए स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर चाहिए अभी, तो ये एक्स स्क्वायर अगर इस जगह पे होता और ये वन अगर इस जगह पे होता तो हो जाता ना काम। समझ रहे हो? तो मैं क्या कर दूंगा, इन दोनों कॉलम को इंटरचेंज कर दूंगा, खत्म बात। इन दोनों कॉलम को अगर मैंने इंटरचेंज कर दिया तो ये माइनस जो है, ये माइनस भी तो गायब हो जाएगा ना, ये माइनस कॉमन आएगा, और दो कॉलम को इंटरचेंज करने से एक और माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझ रहे हो मेरे बात? तो ये वन 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 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड और वन वन वन। अभी इन दोनों डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा आपके पास, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स प्लस वन, यहाँ पे ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए वाई प्लस वन, और यहाँ पे ए स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए जेड प्लस वन, ऐसे ही चलेगा। तो ये क्या हो गया, ए प्लस एक्स होल स्क्वायर, सॉरी वन प्लस ए एक्स होल स्क्वायर, ये हो गया वन प्लस ए वाई होल स्क्वायर, ये हो गया वन प्लस ए जेड होल स्क्वायर, सिमिलरली रिमेनिंग बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये आराम से दो स्टेप में देखो प्रोडक्ट में प्रूफ हो गया। समझ रहे हो ना? यही है इस चीज का एप्लीकेशन, अगर प्रॉपर्टी से करने गए आप इस चीज को तो हालत खराब हो जाएगा सर आपका। समझ रहे मेरे पास? क्लियर है? उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, वैल्यू तो यहाँ से निकाल देंगे, आसान सा स्टेप है, ठीक है। ये तो आपका स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट है, पता ही है, आराम से निकालो। और यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे आप आराम से दो जीरो ऑपरेशन लगा करके दो जीरो प्रोड्यूस कर दो, एंड देन एक्सपांड करके इसका वैल्यू निकाल दो, आराम से वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है? समझ मेरी बात? तो बस इस तरीके से जो है चीजों को अपन समझाएंगे और करेंगे भी, तभी जाकर के टॉपिक जो है पूरा पूरा हमारा ग्रिप में बनता जाएगा। समझ लो? क्लियर? चलो आगे बढ़ते, आगे बढ़ते चलो।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, ये जे मेन 2014 में आए, देखो अल्फा बीटा नॉन जीरो दिया हुआ है और एफ ऑफ एन दिया हुआ है अल्फा टू दी पावर एन प्लस बीटा टू दी पावर एन। तो वही लॉजिक आप समझ ही गए होंगे, ठीक है ना। थ्री को तो सर आप थ्री मत लिखो, वन प्लस वन लिखो। वन प्लस एफ वन कितना हो जाएगा, वन प्लस अल्फा प्लस बीटा। वन प्लस एफ टू हो जाएगा वन प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा वन प्लस अल्फा प्लस बीटा, वन प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और ये आ जाएगा वन प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ये आ जाएगा वन प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वन प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। और ये वन प्लस अल्फा टू दी पावर फोर प्लस बीटा टू दी पावर। क्लियर है क्या, समझ लो मेरी बात। अभी इस डिटरमिनेंट को अगर दो डिटरमिनेंट में एक्सप्रेस करना है तो कैसे करोगे, कैसे करेंगे इसको, ध्यान से सोचो जरा। इसको दो डिटरमिनेंट में एक्सप्रेस करना है, मैं चाहता हूं, ठीक है ना। अभी सोचो जरा, जिस बच्चे को मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिटरमिनेंट पता नहीं है वो इस क्वेश्चन में किस तरीके से स्ट्रगल करता, ठीक है ना। यहाँ पे तो वन 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 लिख देते हैं, यहाँ पे भी वन 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 लिख देते हैं। यहाँ पे वन प्लस अल्फा प्लस बीटा चाहिए तो यहाँ पे वन अल्फा बीटा चिपका दो, यहाँ पे वन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर चिपका दो, खत्म। यहाँ पे क्या चाहिए, वन अल्फा बीटा लगा दो और यहाँ पे वन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल गया, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब मिल गया। फिर यहाँ पे क्या चाहिए, वन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, बस खत्म। इसका वैल्यू भी स्टैंडर्ड है, ये भी स्टैंडर्ड है, रिजल्ट निकाल तो कुछ इस फॉर्मेट में आ जाएगा, यहाँ से के कंपेयर करके निकाल, समझ लो। बट सोचो उस बच्चे का बात जिसको मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिटरमिनेंट पता नहीं है, जिसने सिर्फ एनसीईआरटी रट के एग्जाम में गया, क्या उसका हिलने वाला है ये सवाल, नहीं। समय भी कमाएगा प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी करके और कर भी नहीं पाएगा, समझ लो मेरी बात, क्लियर है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि जो पढ़ा रहा हूं एक्यूरेटली चीजों को करो, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा, समझे मेरी बात। आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव का रोमन वन पे चलते हैं। रोमन वन पे क्या दिख रहा है आपको, देखो ए वन पी वन प्लस बी वन क्यू वन, है ना। फिर इधर ए टू पी वन प्लस बी टू क्यू वन। फिर क्या दिख रहा है, ए थ्री पी वन प्लस बी थ्री क्यू वन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ए वन पी टू प्लस बी वन क्यू टू प्लस ए टू पी टू प्लस बी टू क्यू टू। और इधर आएगा ए थ्री पी टू प्लस बी थ्री क्यू टू, क्लियर है। फिर क्या आएगा, ए वन पी थ्री प्लस बी वन क्यू थ्री, फिर ए टू पी थ्री और प्लस बी टू क्यू थ्री, और ए थ्री पी थ्री प्लस बी थ्री क्यू थ्री। अभी आप सोच रहे होंगे कि सर इतना देर तो तीन तीन समेशन था, अभी यहाँ पे दो दो आ रहा है, कुछ फील नहीं आ रहा है सर। तो सर करे तो करे कैसे, दो डिटरमिनेंट में एक्सपांड करने के बाद तो सोच रहा हूँ क्यों, क्योंकि सारे के सारे नौ एलिमेंट्स गंदा दिया हुआ है समेशन में दिया हुआ है। तो सभी सारे के सारे नौ एलिमेंट समेशन में दिया हुआ रहता है, मतलब समेशन ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स में, तो हम डायरेक्टली सोचते हैं कि ये मल्टीप्लीकेशन का ही सवाल होगा, क्लियर है। तो कैसे सोचे, एक में ए वन बी ए बी सी का रख देते सब कुछ, ए बी सी तो नहीं है, एक में ए बी रख देते एक में बी क्यू लेके चलते हैं। तो यहाँ पे अगर ए वन रख देते यहाँ पे बी वन रख देते और यहाँ पे पी वन और यहाँ पे क्यू वन रख देते तो ही तो आ जाएगा ना, ए वन बी वन प्लस बी वन क्यू वन, है ना। प्लस में तो कुछ है ही नहीं, मतलब प्लस में क्या होगा, जीरो होगा। प्लस में अगर जीरो होगा तो यहाँ पे आप कुछ भी लगाओ और यहाँ पे आप जीरो लगा दो, खत्म बात। या फिर आप दोनों साइड पे भी जीरो ले सकते हो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर अगला वाला डेफिनेटली पी टू क्यू टू जीरो आ जाएगा और यहाँ पे पी थ्री क्यू थ्री जीरो आ जाएगा, समझ लो मेरी बात। सिमिलरली अगला क्या हो जाएगा, ए टू बी टू के टू हो जाएगा और यहाँ पे ए थ्री बी थ्री के थ्री हो जाएगा, समझ गए मेरी बात, क्लियर है। अभी यहाँ पे एक कॉलम जीरो हो गया तो इसका आंसर जीरो, ये कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, जीरो इंटू एनी इंटीजर विल बी जीरो, क्लियर है, क्योंकि इसका आंसर कोई ना कोई इंटीजर में आने वाला है। अगर ये सारे एंट्रीज इंटीजर है तो, अगर ये सारे एंट्रीज इंटीजर नहीं है तो इसका आंसर कोई भी रियल नंबर होगा, है ना, रैशनल भी हो सकता है। चलो समझ गए मेरी बात। तो यहां से बहुत ही चीज आपको अच्छा चीज सीखने को मिला, बट ये कन्फर्म हो यहाँ पे जीरो भी हो सकता है, यहाँ पे एक जगह पे जीरो दो जगह पे जीरो, इस चीज से कोई फर्क ही नहीं, इसको कुछ भी लिख सकते हैं। बट ये कन्फर्म होना चाहिए कि इन दोनों में से किसी भी एक डिटरमिनेंट का थर्ड कॉलम तो कंप्लीटली जीरो होना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ पे आपने जीरो लगा दिया और यहाँ पे आपने के टू लगा दिया, समझ रहे मेरे बात।
यहाँ पे अगर जीरो और यहाँ पे अगर के टू लगा देते हो तो फील करो जरा कि सेकंड एलिमेंट तो आपका के वन के टू आ जाएगा ना प्लस में, यहाँ पे तो के वन के टू प्लस में तो लिख नहीं सकते हो ना, क्लियर है? इसीलिए आपको क्लियरली दिख रहा है कि इधर जीरो हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एटलीस्ट दोनों में से एक डिटरमिनेंट में या तो इधर तीनों के तीनों जीरो होना ही पड़ेगा, क्योंकि थर्ड एलिमेंट किसी में भी प्रेजेंट नहीं है। अगर किसी ना किसी पे होता तो अपन अकॉर्डिंगली सोचते और डिफिकल्ट हो जाता, बट एज किसी में भी नहीं है तो दोनों डिटरमिनेंट में एक का तो थर्ड कॉलम पूरा पूरा जीरो होना ही पड़ेगा। क्लियर है क्या? समझ गए? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या करेगा? सेम क्वेश्चन है, बोलो तो ये आप करना ही होमवर्क, सेम क्वेश्चन है, फॉर्मूला ब्रेक कर दो कोसाइन का, आराम से आपको दिख जाएगा। अगर नहीं होता है तो क्लास में बता दूंगा, पूछिएगा, ठीक है? नंबर टू कर लेते, चलो नंबर टू करने से यहां पर क्या आएगा, देखो ये टू आ रहा है, ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ रहा है, और यहाँ पे ए बी प्लस सी डी आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यहाँ पे क्या आ रहा है टू इंटू ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी, ठीक है? और यहाँ पे आ रहा है ए बी इंटू सी प्लस डी प्लस सी डी इंटू ए प्लस बी, और यहाँ पे आ रहा है ए बी प्लस सी डी ए बी इंटू सी प्लस डी प्लस सी डी इंटू ए प्लस बी, और यहाँ पे आ रहा है ट्वाइस ए बी सी डी। क्लियर है क्या? समझ लो तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, यहाँ पे टू है ना तो टू को तो ऑब्वियसली वन प्लस वन लिखेंगे, तो वन प्लस वन अगर लिखते हैं तो कैसे बनाएंगे दो डिटरमिनेंट, यहाँ पे वन लिखते हैं यहाँ पे वन लिखते हैं, तो यहाँ पे ए प्लस बी और सी प्लस डी लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे जीरो लिख देते हैं, यहाँ पे भी जीरो लिख देते हैं, चलो ठीक है ना, क्योंकि और तो कुछ है नहीं ना। अच्छा, पहले वाले भी तो वन वन ही लिखना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वन प्लस वन चाहिए। अगले वाले भी ए प्लस बी और सी प्लस डी और जीरो लिख सकते हैं, और अगले वाले पे ए बी सी डी और जीरो लिखते हैं, क्लियर है? उसके अगला वाला वापस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी चाहिए, मतलब यहाँ पे वन है तो यहाँ पे भी ए प्लस बी चाहिए होगा, यहाँ पे सी प्लस डी चाहिए होगा, यहाँ पे जीरो चाहिए होगा, तो सेकंड एलिमेंट देखो बन रहा है नहीं बन रहा, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस सी प्लस डी होल स्क्वायर बन गया। अरे यार यहाँ पे तो ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस सी प्लस डी होल स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी है, तो यहाँ पे एग्जामिनर ने बहुत ही अच्छा आपके साथ खेल खेला है, ये आसानी से बन जाएगा यहाँ पे बस एक चेंज करने से। सोचो जरा, सोच सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट करता हूँ, बस इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। क्लियर दिख रहा है ना, यहाँ पे सी प्लस बी और यहाँ पे ए प्लस बी अगर आ गया तो समेशन तो दोनों का बन ही जाएगा ये वाला चीज, और जब आप प्रोडक्ट करोगे तो ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी प्लस ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी ट्वाइस हो जाएगा, और थर्ड वाले पे देखो ए बी इंटू सी प्लस डी है, यहाँ से भी हिंट मिलता है कि यहाँ पे सी प्लस डी आएगा और सी डी इंटू ए प्लस बी है, क्लियर है क्या? तो इधर क्या आएगा, ए बी सी डी और जीरो लिखते थे तो ए बी प्लस सी डी आ गया, ए बी इंटू ए प्लस बी नहीं, यहाँ पे भी क्या होगा, सी डी आगे होगा ए बी पीछे होगा, क्लियर है? तो ही तो ये एबीसीडी एबीसीडी और यहाँ पे एबीसीडी प्लस जीरो, तो ट्वाइस एबीसीडी आएगा, क्लियर है क्या? तो ये हो गया आपका डिटरमिनेंट। अभी तो ये प्रूफ करना क्या है, ए बी जीरो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। अभी यहाँ पे अगर आप के वन के टू के थ्री लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट दोनों का एटलीस्ट एक डिटरमिनेंट दोनों में से जिसका थर्ड कोलम पूरा पूरा कंप्लीटली जीरो होगा, क्लियर है क्या? समझ रहे? लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स लास्ट क्वेश्चन, क्लियर है क्या? चलो, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू थ्री है तो इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है? प्रॉपर्टी वगैरह कुछ लगा सकते हो क्या, लगा के देख लो, क्या लगा सकते हो? मल्टीप्लीकेशन का ही एप्लीकेशन है बट डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन नहीं है, और बच्चे ऐसे भी सोचते हैं इसको सर यहाँ से सॉल्व करके ऐसे निकाल देते और पुट करके निकाल देंगे ये, बट ये बहुत ही गंदा चीज है। अगर कोई इंटीजर या फिर फ्रैक्शन आ गए तो भी तो ठीक है, कुछ हद तक कर लेंगे, पर सोचो अगर इरेशनल वैल्यू आ जाता है यहाँ से x तो कितना गंदा हो जाएगा, और देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ क्यूबिक वगैरह बनने वाला है जिसको सॉल्व करना भी डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है? तो अगर आपका ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग है तो एक झटके में आपको चीजें दिख जाएगा, और वो क्या है कि सर यहाँ पे जो चीज लिखा हुआ है उसको एक बार देखो ना ध्यान से कि वो क्या लिखा हुआ है, वो तो इस एलिमेंट का कोफैक्टर बैठा हुआ है ना, एक्स क्यूब माइनस वन, फिर इस एलिमेंट का कोफैक्टर तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जीरो, अगर दो जगह के कोफैक्टर है मतलब सारी जगह पे क्या होगा, कोफैक्टर ही बैठा हुआ रहेगा, तो ये क्या बन गया, ये डेल्टा सी बन गया ना, एक डिटरमिनेंट का कोफैक्टर डिटरमिनेंट, अगर ये डेल्टा है तो ये इसका कोफैक्टर डिटरमिनेंट बन गया ना, तो ऑर्डर थ्री है तो डेल्टा सी मस्ट बी डेल्टा स्क्वायर,
तो डेल्टा का वैल्यू 3 दिया हुआ है तो डेल्टा स्क्वायर का वैल्यू 9 हो जाएगा। समझ रहे हो? अगर आपको प्रॉपर्टी सही ढंग से मल्टीप्लीकेशन पता है तो कितना आसानी से आपके सवाल जो है वो सॉल्व हो सकते हैं। अदरवाइज बच्चे यहाँ पे एक्स निकालेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, नाटक करेंगे, फिर भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, समय भी गवाएंगे, नंबर भी गवाएंगे। समझ रहे मेरी बात? अच्छा, इस चीज का प्रूफ मैंने आपको बोला नहीं था लेक्चर वन में, अभी बता देता हूँ। मल्टीप्लीकेशन टॉपिक का ही एप्लीकेशन ही है, बट पढ़ा देता हूँ बोर्ड्स के साथ, क्योंकि बोर्ड्स में भी आ सकता है इसीलिए, बट उधर मैंने प्रूफ नहीं बताया, तो प्रूफ बता सकते हैं यहाँ पे आपको। अगर डेल्टा आपका कुछ इस तरीके से है, A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3 और एक डिटरमिनेंट डेल्टा सी है, सच दैट यहाँ पे कोफैक्टर ऑफ 1-1, कोफैक्टर ऑफ 1-2 और कोफैक्टर ऑफ 1-3 है, कोफैक्टर ऑफ 2-1, कोफैक्टर ऑफ 2-2, कोफैक्टर ऑफ 2-3 है, कोफैक्टर ऑफ 3-1, कोफैक्टर ऑफ 3-2 और कोफैक्टर ऑफ 3-3 है। तो इस चीज को अपन कैसे निकालेंगे, डेल्टा स्क्वायर कैसे प्रूफ करेंगे, वही ना? तो देखो जरा ध्यान से कि अगर 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 मैं जैसे इन दोनों को प्रोडक्ट किया, डेल्टा और डेल्टा सी को अगर मैंने प्रोडक्ट किया तो हमारे पास क्या आएगा, A1 B1 C1। ये मल्टीप्लीकेशन से ही आता है ये प्रूफ बेसिकली, बट रिजल्ट तो मैंने आपको उधर कराया था और लेक्चर 3 में क्वेश्चन भी कराया था इसके ऊपर, अच्छा क्वेश्चन था वो, समथिंग स्क्वायर प्रूफ करना था, आपको याद होगा अगर आप देखे हो तो, अगर आप 5 देख रहे हो तो 3 तो देख के आ ही होंगे, ठीक है। चलो तो ये क्या हो जाएगा प्रोडक्ट करने के बाद, A1 C11 B1 C12 C1 C13, तो एलिमेंट और उसका कोरिस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का प्रोडक्ट का समेशन, ये हमेशा क्या हो जाता है, ये हमेशा क्या हो जाता है, एक जगह का एलिमेंट और उसी पोजीशन का कोफैक्टर का प्रोडक्ट, ये डेल्टा के इक्वल होता है ना, तो यहाँ पे तो डेल्टा आ जाएगा। अगले वाले पे A1 और अदर किसी रो का कोफैक्टर, अगर यहाँ पे C21 प्लस B1 C22 और C1 C23 है तो इसका आंसर तो डेफिनेटली 0 होगा ना, क्योंकि उस पोजीशन का कोफैक्टर अगर लेते हो तो डेल्टा आएगा, बट किसी दूसरे रो का या फिर तीसरे रो का कोफैक्टर अगर लेके मल्टीप्लाई करते हो और ऐड करते हो तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे डेल्टा आएगा, चेक कर लो, A2 B C21 B2 C22 और C2 C23, इसका आंसर भी क्या आएगा, समीशन डेल्टा आएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे डेल्टा आएगा। और आप जानते हो कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का, इसको सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं है, सब प्रॉपर्टी लगा होगा, अगर इस किसी डिटरमिनेंट का अपर डायगोनल, सिर्फ अपर डायगोनल या तो सिर्फ लोअर डायगोनल या तो दोनों, अपर डायगोनल लोअर डायगोनल दोनों अगर डायरेक्टली 0 हो जाता है लास्ट प्रॉपर्टी, तो उसका आंसर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यूब। तो डेल्टा इंटू डेल्टा सी, अगर डेल्टा क्यूब है तो डेल्टा सी का वैल्यू क्या आ गया, डेल्टा स्क्वायर आ गया, सिंस डेल्टा इज नॉन 0, नहीं तो डेल्टा इक्वल टू 0 भी एक पॉसिबिलिटी हो जाएगा, सिंस डेल्टा इज नॉन 0, क्लियर है। PLO इसका प्रूफ भी बता दिया, नोट्स में ऐड कर देंगे, समझ गए ना? तो पूरा पूरा मल्टीप्लिकेशन मेरे ख्याल से मैंने बहुत अच्छे से आपको ब्रेन में लेकर के आ गया, अभी आप इसको एक सवाल प्रैक्टिस करो, पहले तो जो करा है इतना भी टफ वगैरह कुछ नहीं है, पहले तो आप करो अच्छे से, फिर जो जितना क्वेश्चन है सिर्फ प्रैक्टिस कर लो, आपका टॉपिक तैयार है और चिंता मत करो, बस रिवीजन करो, क्लियर है। तो चलिए देख लेते हैं, अभी लास्ट एक टॉपिक छोटा होता है फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ तो ये देखो आपका लास्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट, इंटीग्रेशन ऑफ डिटरमिनेंट और आपका सिग्मा का यूज, जो पहले भी मैंने आपको बता चुका हूँ लेक्चर नंबर 3। तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं ये भी बता चुका हूँ MOD चैप्टर में, तो ये चीज आप देख सकते हो। पहले हम क्या करते हैं, ये मैंने रो 1 है, पूरा रो ना लिख करके R1 लिख दिया सिर्फ, समझ आना। तो अपन क्या करेंगे, रो 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर रो 2 रो 2 को रो 3 को सेम रख देंगे, फिर प्लस दे करके रो 1 रो 3 को सेम रख देंगे, रो 2 को डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर रो 1 रो 2 सेम रख देंगे, रो 3 को डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। या फिर एक और तरीका है कि आप कॉलम वाइज कर सकते हो, कि कॉलम 1 का कर दिए कॉलम 2 कॉलम 3 सेम है, फिर कॉलम 2 को कर दिए कॉलम 1 कॉलम 3 सेम है, और कॉलम 3 को कर दिए और कॉलम 1 कॉलम 2 सेम रहेगा। सेम डिफरेंशिएशन में n टाइम्स तक चला सकता हूँ, तो अगर n टाइम्स तक अपन करते हैं इसी को, तो यही R1 टू दी पावर n आ जाएगा, R2 टू दी पावर n, मतलब R3 टू दी पावर n, और बाकी सारे के सारे कांस्टेंट आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इस चीज को आप n टाइम्स डिफरेंशिएशन कर लो, R1 टू दी पावर n का मतलब है R1 को आप n टाइम्स डिफरेंशिएशन करने के बाद जो चीज बन रहा है वो चीज का बात कर रहा हूँ। जैसे अगर रो 1 में मान लो आपका x2 x3
एक्स है, तो फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन करने के बाद ये ट्वाइस एक्स थ्राइस एक्स स्क्वायर वन हो जाएगा, सेकंड टाइम करने के बाद टू सिक्स एक्स और जीरो आ जाएगा, और थर्ड टाइम करने के बाद ही ये जीरो सिक्स और ये जीरो रहेगा, फोर्थ टाइम में सब जीरो बन जाएगा और एन टाइम में तो सब जीरो ही आएगा। क्लियर है क्या? इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन सिमिलरली कॉलम में भी एन टाइम सब नहीं लिखा आप, लिख देना। क्लियर है? अभी आता है अगला पार्ट इंटीग्रेशन, ये सब मैं सवाल में करा चुका हूँ ऑलरेडी, इसीलिए सिर्फ थियरी बता के छोड़ रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन शीट में है, क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब करोगे एक्सरसाइज थ्री में मिल जाएगा ये सब का क्वेश्चन, एक्सरसाइज वन में नहीं मिलेगा, थ्री में मिलेगा। इंटीग्रेशन ऑफ डिटरमिनेंट, इंटीग्रेशन ऑफ डिटरमिनेंट का मतलब क्या है कि डेल्टा अगर इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, डेल्टा अगर इस फॉर्मेट में दिया हुआ है तो इंटीग्रेशन ऑफ इस फॉर्मेट में मतलब यही फॉर्मेट होना चाहिए, दैट इज किसी भी एक रो या कॉलम में ही फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए, बाकी दोनों रो या फिर दोनों कॉलम कॉन्स्टेंट से भरे हुए होने चाहिए, या फिर ये सारे के सारे कॉन्स्टेंट होना चाहिए, तभी मैं इंटीग्रेशन में डायरेक्टली इंटीग्रेशन यहाँ पे एफ एक्स में जी एक्स में एच एक्स में लगा सकता हूँ। अगर आपको कोई भी दो रो में कंसेक्यूटिव आपको फंक्शन ऑफ एक्स दिख जाता है, मान लो यहाँ पे दो जगह पे दिख गया, यहाँ पे दो जगह पे दिख गया, तो कभी भी आप ऐसे डायरेक्टली मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात, कभी भी डायरेक्टली मत कर देना। इसका रीजन है जो मैंने आपको सिग्मा में बताया था लास्ट क्लास में, एफ एक्स इंटू बी आर माइनस क्यू सी होता है ना, तो बी वन माइनस क्यू सी तो कॉन्स्टेंट ही रहता है, तो बस एफ एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है, फिर जी एक्स इंटू इस कोफैक्टर, एच एक्स इंटू इस कोफैक्टर, बट अगर मल्टीपल जगह पे फंक्शन ऑफ एक्स प्रेजेंट हो गया तो आप डायरेक्टली ऐसे इंटीग्रेशन सिंपल से काम नहीं चला सकते हो, तब आपको फाइनली डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करना पड़ेगा, तब वो फंक्शन ऑफ एक्स आएगा एंड देन फाइनली उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इस चीज को ध्यान रखना इंटीग्रेशन में भी समेशन में भी। क्लियर है? समेशन में भी सेम चीज, अगर डेल्टा आर आपका इस तरीके से दिया जाता है तो सिग्मा ऑफ डेल्टा आर आर वेरीज फ्रॉम वन टू एन, आप सिग्मा सिर्फ इसी जगह पे लगा सकते हो जब रिमेनिंग टू रो या फिर कॉलम पूरा पूरा कॉन्स्टेंट होगा, पूरा पूरा एक जगह पे भी अगर फंक्शन ऑफ आर या फिर यहाँ पे एक जगह पे भी फंक्शन ऑफ एक्स और आ जाता है तो डायरेक्टली आप लगाने से गलती होने का चांसेस बढ़ जाता है, आप सोच के रखो कि लगा ही नहीं सकते। क्लियर है? तो बेटर है उस वक्त अगर यहाँ पे भी जी ऑफ आर में डाल देता हूं तो उस वक्त आप क्या करोगे कि इसको एक्सपांड करोगे, एक्सपांड करके फिर आप जो फंक्शन ऑफ आर आएगा उसमें सिग्मा ऑपरेट करोगे तो आपको मिल जाएगा। क्लियर है? तो इस चीज को आपको ध्यान से समझ के रखना है दोस्त, यहाँ पे गलती होने का चांसेस होता है, बच्चे सिर्फ इसको रट के चले जाते हैं और चीजें पता नहीं होते अच्छे से, उनको गलत हो जाता है सवाल जी में। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान से रखना, और मैंने इसका रीजन भी आपको बता रखा था कि क्यों ऐसे अपन डायरेक्टली एक रो या फिर एक कॉलम में फंक्शन ऑफ आर होने से ही सिग्मा लगा देते हैं, इसका रीजन के साथ इसको समझिएगा, ऐसा हवा में समझने से काम नहीं चलेगा। रीजन ये था कि अगर मैं इसको एक्सपांड करता हूं तो हमारे पास क्या आएगा, एफ एक्स इंटू इसका कोफैक्टर है ना, प्लस जी एक्स इंटू इसका कोफैक्टर और एच एक्स इंटू इसका कोफैक्टर, ऐसे ही तो आएगा ना। ठीक है, अभी अगर ऐसे ही आया तो ये तीनों चीज तो कांस्टेंट होगा, ये तीनों चीज तो कांस्टेंट होगा, बिकॉज ये तीनों के तीनों कोफैक्टर्स इन छह वेरिएबल्स के ऊपर, मतलब ये छह एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होगा जो कि कांस्टेंट है, तो ये सब के सब तो कांस्टेंट होगा, तो अगर मैं सिग्मा लगाया या इंटीग्रेशन लगाया ये सब के सब तो बाहर चला जाएगा ना, और डायरेक्टली इंटीग्रेशन सिंपल इसके ऊपर आ जाएगा, तो क्यों ना मैं डायरेक्टली यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इंटू इसका कोफैक्टर, एक ही तो बात है ना, दोनों करने से सेम ही आ जाएगा। बट मान लो आपका कोफैक्टर जो है वो अगर यहाँ पे अगर कोई भी अगर मान लो वेरिएबल मतलब फंक्शन ऑफ एक्स या फिर जी ऑफ एक्स या फिर एच ऑफ एक्स डाल देता हूँ इन छह में से किसी भी एक जगह पे, तो ये लफड़ा हो जाएगा क्योंकि कोफैक्टर भी तब फंक्शन ऑफ एक्स आ जाएगा, और तब अगर आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन लगा दोगे तो काम नहीं चलेगा ना, समझ रहे मेरी बात? क्लियर है? तब अगर आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन लगा दिए, मान लो यहाँ पे जी ऑफ एक्स अगर मैंने लगा दिया और डायरेक्टली यहाँ पे आप इंटू बी जी एक्स डी एक्स लगा दिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, क्योंकि सी वन वन जब करेंगे तो दिस इंटू आर माइनस सी इंटू क्यू आना चाहिए। क्लियर है? दिस इंटू आर माइनस सी इंटू क्यू आना चाहिए, जो कि आपका प्रॉब्लम मतलब मिस्टेक होने का, पूरा एक्सपांड करके देख लीजिए मिस्टेक होने का चांसेस बचा रहता है, इसीलिए ये अपन सजेस्ट करते हैं कि जब भी इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में है तभी जाकर के आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन और सिग्मा डायरेक्टली ऑपरेट करो, अगर इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में नहीं है तो बेटर है, या फिर इस फॉर्मेट में भी रहता है तो भी बेटर है कि पहले आप इसको क्या कर दो, एक्सपांड कर दो, फिर जो फंक्शन ऑफ एक्स बन जाएगा उसको इंटीग्रेट कर देना। क्लियर है क्या? समझ लो। और एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि सिग्मा जैसे लगता है इस तरीके से पाई कभी भी नहीं लगता है, सिग्मा मतलब समेशन और पाई मतलब प्रोडक्ट आप जानते हो, तो पाई कभी भी इस तरीके से अपन ऑपरेट कर नहीं पाएंगे कभी भी, क्यों? क्योंकि पाई अगर ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे पाई 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 नहीं डाल सकते हो आप, ये अनइक्वल होता है, यानी मैंने नॉट इक्वल लेकर के दिया, क्यों? क्योंकि आप समझ ही सकते हो इस चीज का मतलब क्या होता है, इस चीज का मतलब होता है डेल्टा वन इंटू डेल्टा टू इंटू डेल्टा थ्री, ठीक है ना, ये होता है इस चीज का मतलब। अभी डेल्टा वन को अगर मैं लिखू तो क्या आएगा, एफ वन आएगा, जी वन आएगा, एच वन आएगा, और यहाँ पे एबीसी, और यहाँ पे मान लो पी क्यू आर, फिर एफ टू क्या आएगा, एफ टू आएगा यहाँ पे, फिर जी टू आएगा, फिर एच टू आएगा, फिर एबीसी, फिर मान लो यहाँ पे पी क्यू आर,
क्लियर है क्या, समझ है मेरे पास? क्लियर। तो यहाँ पे जब इन दोनों डिटरमिनेंट को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, एफ वन एफ टू प्लस जी वन जी टू प्लस एच वन एच टू, ठीक है ना, फिर एफ वन इंटू ए प्लस जी वन इंटू बी प्लस एच वन इंटू आर, ये सब आएगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट चलेगा। बट अगर आपने डायरेक्टली यहाँ पे पाई लगा दिया तो फिर इसका आंसर आ जाएगा ना यहाँ पे एफ वन इंटू एफ टू इंटू एफ थ्री इंटू एफ फोर इंटू डॉट डॉट एफ एन तक, जो कि गलत है क्योंकि इस जगह पे देखो ना आप क्या आ रहा है, एफ वन एफ टू प्लस जी वन जी टू प्लस एच वन एच टू, मतलब फर्स्ट एलिमेंट में एफ जी एच सब आएगा। बट आप अगर यहाँ पे डायरेक्टली पाई लगा दिए तो यहाँ पे तो सिर्फ एफ वन एफ टू अप टू एफ एन तक आ जाएगा, तो ये गलत है ना सर। इसीलिए इस तरीके से अपन पाई कभी भी डायरेक्टली ऑपरेट नहीं कर सकते अगर प्रोडक्ट का क्वेश्चन आया, बट सिग्मा और इंटीग्रेशन आप ऑपरेट कर पाओगे, और वो भी आप कब कर पाओगे जब इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में है। अगर नहीं है तो दोनों ही केस में पहले एक्सपांड करो, फंक्शन बनाओ, एंड देन आप सिग्मा या फिर आर पे सिग्मा लगाओ या फिर इंटीग्रेशन पे इंटीग्रेट कर दो एफएक्स को, मतलब जो भी नया फंक्शन आएगा, एफएक्स नहीं, तीनों को मिक्सचर करके एक्सपांड करने के बाद जो भी नया आएगा उसको कर देना। और डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो मैं आपको पहले भी एमओडी में सिखा चुका हूँ, क्लियर है? तो इसके ऊपर मैं इलस्ट्रेशन और नहीं ले रहा हूँ, आप इसको शीट में बहुत सारे सवाल है एक्सरसाइज थ्री में, जो लोग करोगे एक्सरसाइज में उनको मिल जाएगा, और जो नहीं करोगे उनको एक तो सिग्मा का क्वेश्चन करा के दिया, और रेमेनिंग एक्सरसाइज वन में सिग्मा के तो बहुत क्वेश्चन है, बट इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो उसका सवाल आपको एक्सरसाइज थ्री में मिल जाएगा, आप सेलेक्ट करके कर देना, और जो लोग एक्सरसाइज थ्री पूरा करोगे वो तो करोगे पूरा उसको, और क्या बोलोगे, ठीक है, अपन डिस्कस करेंगे क्लास में। इसी के साथ साथ डिटरमिनेंट चैप्टर का हमारा कंप्लीट है, और कोई एक भी टॉपिक बाकी नहीं है, खत्म हो गया पूरा। तो जो भी अभी आप शेड करो अच्छे से, और जो भी डिस्कशन है वो अपन क्लास में करेंगे, और कोई डाउट्स है तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है? तो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं, अलविदा।